विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, जाना है। दुनिया नाच करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है। तो ये आज के प्रोग्राम के तहत मैं योगेश पारोल अहमदाबाद रीजन की ओर से मतलब नेचर कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार काफी बड़ी संख्या में हमारे नेक्सस के डायरेक्टर उपस्थित हुए हैं और ये प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम ये अहमदाबाद रीजन में 4 साल के बाद हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम आज अरेंज किया है जो रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जिसका हमने नाम दिया है। और ये प्रोग्राम जो सक्सेसफुल आज हुआ है आप लोगों की आज उपस्थिति की वजह से और ये प्रोग्राम को जो सक्सेसफुल बनाने के लिए जिनका ज्यादा हिस्सा है वैसे हमारे सभी अहमदाबाद एसडीएम, तो मैं उनको एक बार कॉल करूंगा वो सभी स्टेज पे जल्दी से आए, इसकी वजह से आज ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज अहमदाबाद एसडीएम। रहते हैं हर पल आगे वो जमाने से, थम जाते हैं तूफान उनके आ जाने से। मुश्किल नहीं कोई रास्ता, हमने जो दिल में ठाना है, हमने दिल में ठाना है। नेक्सस के नाम को घर घर तक पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है। मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। दुनिया नाच करे हम पर। हर सपना पूरा कर सकते हैं, बात है ये गर्व की। कोई हमारे अहमदाबाद से एसडीएम है ये जो हम पिछले 4-5 महीनों से ये प्रोग्राम का प्लानिंग कर रहे हैं और आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, तो जिनका स्वागत हमारी अहमदाबाद एमसीएम करेगी, तो जिनको नेटसर्फ में सबसे यंगेस्ट ओसीएम कहा जाता है ऐसे हमारे नटवर चौहान, तो सबसे बॉल हुआ है नेक्सस, 18 साल की उम्र है, सबसे नेक्सस के साथ है और नेक्सस के फैन से जिनका सबसे ज्यादा हिस्सा है। दूर से आए मिस्टर केतन गारू सर, उनके लिए दो दिमाग में होते हैं कि मुझे करियर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है,
लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे करूं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनी है कि जो हमारे करियर के बीच में बाधा डालती है कि नहीं डालती है। तो ये सारे सवालों का जवाब हमें मिलता नहीं है, मिलता है क्या? लेकिन दोस्तों आज खास आपके लिए इंडिया की पहली कंपनी, एक नंबर की कंपनी जिसने 2001 में नारा दिया था कि वी आर री रिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग नेटवर्क के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। और 18 साल के बाद में यह कंपनी ने यह प्रूव किया कि वी आर री रिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हमने कमाने के लिए तो क्या कमा रहे हैं? अभी ये क्वेश्चन मैं जब भी पूछता
काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमने बहुत बार सोचा है ऐसा होता क्यों है कि लोग काम करने के लिए आए और काम करने की कोशिश करने लगे, तो हमें कुछ आंसर्स इसके मिलने लगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम मिला हमें, क्या मिला? हमें अच्छे लगते हैं प्रॉब्लम, सर काम करना चाहते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉमन होता है ना ऐसा, आपकी डाउनलाइन भी होती रहेगी, एक प्रॉब्लम। तो वैसे हमारे पास भी दो तीन प्रॉब्लम मिले, उसमें से एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। एक प्रॉब्लम मिला खुद नेटसर, अभी नेटसर ने किया क्या, किया क्या देखो, आपसे 6,000-6,300 रुपए लिए, कितने रुपए का प्रोडक्ट दिए? 9,000। अभी प्रोडक्ट भी ऐसे दिए जिनके रिजल्ट आते हैं, तो पैसा वसूल, अरे हाँ के ना, तो अभी गया ही नहीं कुछ तो मैं काम क्यों करूंगा। देखो एक एग्जांपल लेते, एक एग्जांपल लेते, चलो एक एग्जांपल लेते। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अंदर बाद में एक दुकान खोलनी है, एग्जांपल कितने रुपए लगेंगे? एक हाथ बिजनेस स्टार्ट करना है, रेंट पे भी दुकान लेके करोगे कितना रुपए लगेगा? 5-10 लाख मिनिमम। अब ये 5-10 लाख मिनिमम डालने के बाद आप काम करोगे या काम करने की कोशिश करोगे? क्योंकि वो 10 लाख डाल के 5 लाख डाल के कुछ होता नहीं ना, फिर 2-3 लोग काम के लिए रखोगे, फिर उनका सैलरी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा रहेगा, फिर महीने के खर्चे रहेंगे, फिर बाकी सब कुछ मैनेज करना रहेगा, तो यह तलवार सर पे रखकर लटकती रहेगी, बराबर है ना, जो आपको सोने नहीं देगी। फिर रोज सुबह 8 बजे मेरा दुकान खोलेगा, रात को 10 बजे बंद होगा, त्योहार रहे तो मैं बोलूंगा सीजन है इसलिए और जोर से खोलूंगा, छुट्टी नहीं लूंगा, अरे यस यस, हाँ नवरात्रि आई, अरे सीजन आया जबरदस्त, अभी दुकान खोलो, यही होता है ना, yes. सीजन में दुकान बंद कर देते, अपने इधर क्या होता है, अरे पूछ रहा हूं भाई, रोज सुबह 8 बजे कितने लोगों की दुकान खुलती है? तलवार लटकी नहीं है ना, तो अभी क्या करें, ज्वाइनिंग 6 लाख कर दे क्या? ये करने वाले नहीं है, टेंशन मत देना। लेकिन ये तलवार आपको खुद को लटकानी पड़ेगी आपके टारगेट की, हमने अगर नहीं लटका तो आप लटका आपके टारगेट की, क्योंकि आप यहां पे बिजनेस करने के लिए आए हो, कुछ ड्रीम्स लेके आए हो, कुछ सोच समझ के आए हो कि मुझे जिंदगी में यह करना है, आप आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए आए हो, आपका जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपकी तकलीफें हैं, वो दूर करने के लिए नेटवर्क में आए हो, तो वो तलवार लटका है, जब तक ये तलवार लटकेगी नहीं आप भागोगे नहीं, तो वो तलवार आप लटकाओ, क्योंकि ये तलवार आपकी तलवार आप खुद लटका सकते हो, मैं सबकी तलवार नहीं लटका सकता, ये आपको आपकी तलवार लटकानी पड़ेगी ताकि आपका प्रोग्रेस हो, ताकि आप आगे जाए, क्योंकि ये पूरे बिजनेस में अगर कोई आपको रोक रहा है आगे जाने से तो आप खुद हो, तो आप आपके टारगेट की, आपके ड्रीम्स की तलवार लटकाओ। चलो लटका दी, फिर भी होता क्या है पता है क्या, एक दूसरा प्रॉब्लम आता है, अपने इधर प्रॉब्लम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाने वाला, इसके बाद प्रॉब्लम का पी लेके नहीं आने, और एक प्रॉब्लम आता है, और एक प्रॉब्लम क्या आता है, लोग बोलते हैं वो क्या है, जैसे ही मैं ऐसे दो तलवार लेके ऐसे तलवार
करूं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो लोग ऐसा देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा कुछ मिला नहीं क्या? तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर दोनों तलवार हाथ में लेके फील्ड पे कूद गया था कि अभी देखो मैं क्या जबरदस्त बिजनेस करता हूं, वो तलवार बंद कर देता और ढाल हाथ में ले लेता है ऐसे। किसकी? प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की। और ढाल के अंदर से ऐसा नेचुरल वर्क का डब्बा निकलता है, ले जबरदस्त प्रोडक्ट है, खा ले। सामने वाला कस्टमर है ना, वो तलवार निकालता है और वो वार चालू करता है। रिजल्ट आया क्या? अरे बहुत लोगों का आया, तुझे भी आएगा। हाँ। नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो मैं हूं ना, टेंशन मत ले। अभी ये क्वेश्चन कर करके उसकी तलवार जब टूट जाती है तब अपना एक सेल होता है। कोई नेचुरल वो निकालता है, कोई स्टिमुलस निकालता है, कोई हाफ जैन वो निकालता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हेडाउन आगे जाना है उसको डर के हम प्रोडक्ट का सहारा ले रहे हैं, ढाल पीछे से, ढाल के पीछे से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बोला तो जो सेल आ रहे हैं ना तो वो भी नहीं आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ये कंपनी को मालूम नहीं है क्या? अरे मालूम है क्या? नहीं है, होना तो चाहिए ना, 17 साल से चल रहा है, फिर ऐसा प्रॉब्लम लेके कंपनी चल कैसे रही है? सोचो जरा, सोचो भाई, ऐसा प्रॉब्लम लेके चल कैसे रही है ये? हम बोल रहे हैं कि मार्केट में मैं जाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बताता हूं, लोग ऐसा ऐसा देखते हैं, दूसरा कुछ मिला नहीं क्या पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, जो पैसा आ रहा है वो भी नहीं आता, इसलिए मैं प्रोडक्ट देता हूं, रिजल्ट आया, वेरी गुड, अभी मैं तुझे बाद में बताता हूं क्या है। होता है कि नहीं होता? सर बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? अभी ये कंपनी को पता नहीं रहेगा क्या? और ये ऐसा हुआ क्यों? देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब बिजनेस है क्या? देखो यहां पे एक चीज समझ लो, कोई भी बिजनेस कभी खराब नहीं होता। इस हर बिजनेस में कुछ लोग रहते हैं जो इसको खराब बनाते हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब हमने स्टार्ट करने की कोशिश की 2001 की बात में कर रहा हूं, आज से 17 साल पहले, नेट्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे आप लोगों को नाम समझ में आ गया, ये आईटी कंपनी थी। क्या थी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी। 2001 से जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है उसका स्टडी किया, सॉफ्टवेयर बनाया, इंप्लीमेंट हुआ। इंप्लीमेंट होने के बाद हमने डिसाइड किया चलो ये बेचते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंडिया में भी बेचना पड़ेगा, तो हम इंडिया में बेचने गए। हमें लगा हमारा सॉफ्टवेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सलेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंडिया में तो ये ऐसे ही जाएगा। हम सब कंपनियों के पास गए, एक ने भी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। क्या हुआ? हमारा सॉफ्टवेयर बिका। सब बोलने लगे आपके सॉफ्टवेयर में सब कुछ सामने सामने दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है तो कमाएंगे क्या? अभी हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक नॉर्थ अमेरिका कंपनी इंप्लीमेंट करके अच्छे से काम कर रही है, और वही सॉफ्टवेयर अगर हम इंडिया में बेचने गए तो ये लेने वाले ग्राहक ही नहीं है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब खुला खुला दिख रहा है, और लोग बोल रहे हैं इतना इतना दिखाओ, खुला दिखाओगे तो कमाएंगे क्या? मतलब हमें यह समझ में आया कि इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन इसमें काम करने वाली कुछ कंपनियां हैं जो गड़बड़ काम कर रही है। Yes. और यही सोच के
2001 में हम खुद नेटसर्फ नेटवर्क करके हमने एक ई कॉमर्स पोर्टल बनाया और फर्स्ट टाइम इंडिया एक B2B ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत हुई नेटसर्फ नेटवर्क। तो नेटसर्फ नेटवर्क क्या है अगर कोई पूछता है मुझे तो नेटसर्फ नेटवर्क हमारे पास कुछ प्रोडक्ट अच्छे थे, अभी प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन उसको चलाने के लिए बिजनेस प्लान लगाना पड़ेगा, बराबर है ना? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अगर मैं आपको पूछूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो एक सिंपल सिस्टम है, यह प्रोडक्ट वितरित करने की प्रणाली है, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल बोर्ड यहां पे है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं, चलेगा ना? मतलब कुछ लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन मैं आदत है, थोड़ा ट्रेनर टाइप का बंदा हूं ना, तो एक मेरे पास प्रोडक्ट है और मुझे ये कस्टमर तक देना है, अभी कस्टमर तक पहुंचाना है मुझे प्रोडक्ट, तो मुझे एक नेटवर्क लगेगा। क्यों? ताकि ये कस्टमर तक मैं पहुंच जाऊं। अभी ये नेटवर्क ट्रेडिशनल सिस्टम में भी रहता है क्या? रहता है, हमारे इधर भी नेटवर्क रहता है और ये अभी नेटवर्क को कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा, बराबर है ना? उसको कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा, इसी से जन्म हुआ प्लान का, नहीं तो प्लान का कोई संबंध वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। बाद में हुआ ये कि लोग प्रोडक्ट के बजाय प्लान देखने लगे। बाद में क्या हुआ, लोगों ने प्रोडक्ट छोड़ दिया और बेचने क्या लगे, प्लान। और यहीं से इंडिया में, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का गड़बड़ स्टार्ट हुआ। जब तक लोग प्रोडक्ट करके बेच रहे थे या प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहे थे तब तक यह परफेक्ट था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये एक प्रोडक्ट वितरित करने की प्रणाली है, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। प्रोडक्ट अगर मुझे कस्टमर तक पहुंचाना है तो एक नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा, जो लेके मैं प्रोडक्ट नेटवर्क तक पहुंचाता हूं, यूजर तक पहुंचाता हूं, कंज्यूमर तक पहुंचाता हूं, तो वो राइट है और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मुझे बिजनेस प्लान लगेगा। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने इसको गलत तरीके से लेना स्टार्ट किया। तो 2001 में हमारे पास भी कुछ विकल्प आए, कुछ ऑप्शंस आए, क्योंकि हमें भी बिजनेस प्लान चलाना था। तो हमने सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो दुनिया भर में चल रही है उनका स्टडी किया और हमें दो टाइप के बिजनेस प्लान मिले। कितने टाइप के बिजनेस प्लान मिले? दो। एक जिसको मैं बोल रहा हूं प्लान दे और दूसरा जिसको मैं बोल रहा हूं अभी क्या है, थोड़ा लोग अवेयर है, फट से गूगल में सर्च करोगे प्लान बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड, ये मेरे दिए हुए टर्म्स है तो गूगल में नहीं मिलने वाले। इसे मैंने पहले ही क्या बताया, मैं मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान, एक प्लान बेस्ड दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड, दो टाइप की कंपनियां हमें मार्केट में दिखी। तो चलो हम दोनों थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और ये चलता कैसे है और जो गड़बड़ हुआ है वो क्यों हुआ है। क्लियर? क्योंकि आज के बाद यहां से उठने के बाद ये जो 2.5 घंटे का 3 घंटे का प्रोग्राम होगा उसके बाद हमारे दिमाग में एक भी किंतु परंतु क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो थोड़ा देख लेते हैं किस इंडस्ट्री में हम करियर बनाने के लिए आए हैं, जिस इंडस्ट्री में हम बोल रहे हैं मुझे आगे जाना है उस इंडस्ट्री को लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गड़बड़े। समझना जरूरी है कि नहीं है? समझना जरूरी है। तो दो टाइप के प्लान मिले हमें, एक होता है प्लान बेस, दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस। तो चलो पहले देखते हैं प्लान बेस क्या है। प्लान बेस में होता यह है कि प्लान बेस पेआउट सिस्टम में आपको यह बोला जाएगा कि तू ज्वाइन हो जा और दो दो लोगों को ज्वाइन कर। क्या कर? दो इधर दो उधर, दो लेफ्ट दो राइट, हम दो हमारे दो। क्या बोला जाएगा आपको? आप आओ और
चार लोगों को ज्वाइन करो, दो इधर डालो, दो इधर डालो। Yes. समझ में आ रहा है? और आपको इनकम शुरू, अभी आपको बेचा क्या गया, मतलब आपको बेचा क्या गया, प्रोडक्ट बेचा गया नहीं, आपको प्लान बेचा गया है, आपको प्लान बेचा गया है, और प्लान में वो बताया गया है आप चार लोगों को लेके आओ, चार लोगों को आप लेके आओगे तो आपको कमीशन। अभी इसका मतलब क्या होता है, चलो एक सर्वसामान्य आदमी से, सर्वसामान्य दृष्टिकोण से अगर इसको देखते हैं कि चार लोग लेके आओ तो एक को कमीशन मिलेगा, इसका मतलब कितने लोगों के पीछे एक को कमीशन मिल रहा है? चार। क्या पांच के पीछे? पांच के पीछे, क्योंकि मैं खुद भी हूं ना। तो यहां पे पांच लोगों के पीछे एक आदमी को कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट लोगों को कमीशन मिल रहा है? 20%। 20% लोगों को कमीशन मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना, पांच के पीछे। तो इस टाइप का अगर कोई प्लान लेके आया, कोई भी कंपनी दुनिया की इस टाइप का अगर प्लान लेके आती है तो 20% लोगों को पैसा मिलेगा। इसका मतलब इस टाइप के कंपनी में अगर 100 लोग ज्वाइन हुए, सिर्फ 20 लोगों को पे आउट आएगा, 80 लोगों को पे आउट। 1000 हुए तो 800 को नहीं आने वाला, लाख हुए तो 20,000, 80,000 को। तो अभी 80,000 क्या करेंगे, क्योंकि बेचा क्या गया, प्लान, कि तुम आओ पैसा मिलेगा, तुम आओ पैसा मिलेगा, तुम आओ पैसा मिलेगा, कितने परसेंट लोगों को मिलेगा? सिर्फ 20% लोगों को। मतलब अगर 1,00,000 लोग आते हैं तो 20,000 को, मतलब 80,000 लोग ये निगेटिव हो जाएंगे, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। बराबर है? तभी एक कंपनी बंद हो गई, नाम लेने की जरूरत नहीं। तुम आ जाओ और अभी चार मत करो, सिर्फ 3 करो, चार मत करो, सिर्फ 3 करो, बाद में जोड़ी को पैसा। अभी जोड़ी मतलब बेलो की नहीं, अपने इधर बहुत सारे किसान भाई भी बैठे हैं, उनको जोड़ी बोला तो बैल दिखते, वो नहीं, लोगों की, लोगों की, आदमियों की जोड़ी, बाद में क्या बोले वो जोड़ी को पैसा, पहले कितने करो। लेकिन अभी ये क्या हुआ, इसका छोटा भाई, yes. मतलब क्या, चार लोग सिस्टम में आएंगे, राइट? yes. चार लोग सिस्टम में आएंगे, चार के पीछे होगा क्या, एक को पैसा, मतलब कितना परसेंट लोगों को पैसा मिलेगा? परफेक्ट। अभी आपको समझ में लगा मैं क्या बोलने वाला हूं। इसका मतलब यह हुआ, इस टाइप के प्लान में अगर 1,000 लोग ज्वाइन होते हैं, 250 लोगों को पैसा मिलेगा, 750 लोग फुल टाइम एक्टिविटी, प्रॉब्लम 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 स्टार्ट, क्योंकि बेचा क्या गया, प्लान। 1,00,000 लोग आते हैं तो 75,000 प्रॉब्लम, कुछ इसके बाद और भर जाए, सिर्फ 2 कर, इतने कर, सिर्फ 2 पैसा चालू। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका छोटा भाई सिस्टम में कितने लोग आए, कितने लोगों को पैसा मिला, मतलब कितने परसेंट लोगों को पैसा मिला, मतलब दुनिया का भारी से भारी प्लान ले लो, मैक्सिमम कितने परसेंट लोगों को पैसा मिलेगा, ये कुछ अगर कोई बोल रहा है, कुछ मत करो, पहले दोस्त के पीछे आ जाओ भाई, गड़बड़ है। क्लियर? तो कितना भी भारी प्लान आए, सबसे पहले यही पूछो क्या करना है, बोल तो कोई आएगा, सिर्फ 3 कर, ओके 25% नहीं होने वाला। कुछ लोग आएंगे, अरे ये भारी है, 2, सिर्फ 2, ओके 33%। समझ लो इसको थोड़ा, ये चीज को समझ लो,
अभी ये हो गए प्लान बी। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने और कुछ स्टडी करना चालू किया। तो हमें ये समझ में आया कि कुछ कंपनियां आई जो आई प्रोडक्ट बेस। ये हो गया प्लान बेस। हाँ, प्रोडक्ट है इसके ऊपर, इसकी एमआरपी है, अभी इसके ऊपर लिखी है चलो 10 रुपए 10 रुपीज। तो मैं अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे 10 रुपए के ऊपर कमीशन मिलना चाहिए। हाँ ना, 10 रुपए का अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मुझे किसके ऊपर कमीशन मिलना चाहिए। अभी ये जो प्लान आए ये वैसे काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स देते हैं। यहां पे दो टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक रहेगा पीवी और दूसरा रहेगा बीवी। एक क्या रहेगा, पीवी, और दूसरा क्या रहेगा, बीवी नहीं, बीवी। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचूं तो मुझे कमीशन 1000 रुपए के ऊपर मिलेगा। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे दो कंसेप्ट आते हैं, पीवी एंड बीवी। इसमें होता यह है कि मैं अगर 10 रुपए का वो प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मुझे उसका 30% का या 20% का कमीशन ही, 30% या 20% के अमाउंट के ऊपर ही कमीशन कैलकुलेट होता है। फिर वो अलग अलग टाइप से इसको फ्रेम करते हैं कि इस प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको 10 बीवी मिलेंगे, लेकिन 10 बीवी का अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल नॉट कम मोर देन 20-30%। अब ये प्लान बेस में हुआ क्या, प्रोडक्ट बेस में हुआ क्या, कि ये जो अपने 67% लोग थे, बड़ी जनता, इन्होंने खुश कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे दिए। क्या किया, प्रोडक्ट अच्छे दिया, इसलिए 67% जनता बहुत बार खुश हो गई। लेकिन ये जो बेचने वाले लोग हैं हमारे जैसे, जो पैसा कमाने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए, वो खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको कितना भी बेचो पैसा आया ही नहीं। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके पास इन्वेंट्री की इन्वेंट्री रूम में पड़ी रही। मतलब बेडरूम का दरवाजा खोलो, ऊपर के माले देखोगे लॉक, तो पूरा प्रोडक्ट भरा है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर मैंने 17 साल में देखे, सर लॉक के लॉक भरे। क्यों? क्योंकि इधर मेंटेनेंस क्राइटेरिया भी डालते हैं, कंपल्सरी परचेस इतना करना ही पड़ेगा। अभी 2001 में हम भी फंस गए। अभी करे तो क्या करे, दो टाइप के सिस्टम है, एक है प्लान बेस, दूसरा है प्रोडक्ट बेस। अभी जाए तो किधर गए भाई, एक में गए प्लान बेस में तो 80% से लेके 67 से लेके 80% लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन 20% से लेके 33% लोगों को पैसा मिलेगा। दूसरे सिस्टम में गए तो 67% लोग प्रोडक्ट वाले अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट वो नाराज हो जाएंगे। बराबर है ना? Yes. तो अभी क्या करें? आपको क्या लगता है कि नेटवर्क का प्लान कौन सा है, ये प्लान बेस है या प्रोडक्ट बेस है? हम किधर है, इधर, ये इधर है, हम ये इधर है, हम किधर है, क्या होता किधर है? ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं ना, अभी आप ही बताओ, हम तो कंफ्यूज हो गए। देखो आप यहां पे ये चीज समझ लो, लेकिन कि आपके पास कोई भी आएगा जबरदस्त प्रोडक्ट, एकदम नेटसॉफ्ट का जैसा प्रोडक्ट लेके आया, तो थोड़ा दो स्टेप पीछे, क्या कर रहा है भाई तू, बोल मुझे कैसा है, प्लान बेस है, प्रोडक्ट बेस है, बीवीपीवी है या ज्वाइनिंग वाला है, क्या करना है बोल। क्योंकि देखो इसके जैसा उसके जैसा ऐसे बहुत लोग मार्केट में आएंगे क्या?
लेकिन नेटवर्क जैसा नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अभी 2001 में हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, इधर जाए इधर जाए। जो आपके पास क्वेश्चन अभी लग रहा है मुझे चेहरे पे, दिमाग में चल रहा है, चाहे अभी करे क्या, इधर जाए इधर जाए, इधर गए तो भी प्रॉब्लम, इधर गए तो भी प्रॉब्लम, इधर गए जनता ना खुश, इधर गए बेचने वाले ना खुश। अगर बेचोगे नहीं तो प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं होगा लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो यूजर आएगा ही नहीं। इधर गए लोगों को पैसा मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, यूजर आ रहा है, लेकिन निगेटिविटी बहुत जोर से जा रहा है। क्योंकि इस साइड के प्लान मैक्सिमम 2 से 3 साल चलते हैं, मतलब कुछ कुछ 2-3 महीने में ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट है, टेंशन मत लेना, हम है, ऐसे बोलने वाले कुछ कुछ जो लोग रहेंगे वहां पे मैक्सिमम 2 साल 3 साल उसके ऊपर ये कंपनियां मार्केट में टिकती नहीं। और हमें ऐसी कंपनी बनानी थी कि जो जनरेशन टू जनरेशन चले, क्योंकि हमारा मिशन स्टेटमेंट ही यही था कि यही बिजनेस करे आपका हमारा अगला जनरेशन। मतलब इसका मतलब हमें प्लान ऐसा चाहिए, हमें सिस्टम्स ऐसे चाहिए जो जनरेशन टू जनरेशन चले, पास ऑन हो, रोबस्ट सिस्टम जिसमें सेटिस्फैक्शन रेशियो सबसे हाईएस्ट हो, मेजॉरिटी जनता सेटिस्फाइड हो। तो क्या करें? तो मैं अभी आपको एक राज की बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। हमने ये हमारा बिजनेस प्लान कॉपी किया है। क्या किया है? कॉपी। लेकिन कॉपी कैसे की हमने? होशियार विद्यार्थी की तरह कॉपी की। अभी होशियार विद्यार्थी कॉपी कैसे करता है पता है आपको? होशियार था क्या लेकिन पहले यहां से कोई अभी पता चलेगा था, नहीं तो कैसे पता चलेगा? होशियार विद्यार्थी कॉपी कैसे करता है मैं बताता हूं, मतलब समझ जाओ आप। होशियार विद्यार्थी कॉपी क्या कैसे करता है? वो सामने वाले का देखता है लेकिन उसकी जो गलतियां है ना वो निकाल के रखता है। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? तो हमने भी कॉपी किया है प्लान। अभी कहां से किया है ये आपको मैं समझाता हूं। चलो एक वापस अपनी पानी की बोतल ही ले लेते हैं क्योंकि वही एक पड़ी है इधर। अभी ये पानी की बोतल मुझे मार्केट से खरीदनी है, खरीदनी है ओके। तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं एक कस्टमर हूं और मुझे पानी की बोतल खरीदनी है तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, रिटेल शॉप के पास जाऊंगा, राइट? ट्रेडिशनल सिस्टम, यस। दुकानदार के पास गया, दुकान में गया, पानी की बोतल दो, 10 रुपए दिया, पानी की बोतल ले ली, नॉर्मल ट्रांजेक्शंस, नो ऑब्जेक्शन, परफेक्ट। अभी ये रिटेलर के पास पानी की बोतल आई कहां से? होलसेलर से। चलो मैं उसको बोलता हूं कि एक डीलर रहता है, एक डीलर रहता है, ये नॉर्मली तहसील का, तालुके का एक रहता है, उसके नीचे हर गांव में उसके पास एक एक रिटेलर, मतलब एक एक दुकानदार रहता है, राइट? ऐसा नेटवर्क रहता है इसका, बराबर है। अभी ये डीलर के पास प्रोडक्ट कहां से आया? डिस्ट्रीब्यूटर। चलो इसके ऊपर रहता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, जिला डिस्ट्रिक्ट समझते हो? Yes. एक रहता है, उसके नीचे क्या होता है, हर तहसील में उस डिस्ट्रिक्ट के एक एक डीलर है, उसके नीचे उसके हर गांव में एक एक रिटेलर है। नेटवर्क है? Yes. नेटवर्क है। अरे अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहां से आता है? एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है जो जिले के समुदाय का एक बनता है, मतलब क्या, उत्तर गुजरात। अभी उत्तर गुजरात जैसा कोई एरिया है क्या? नहीं, वर्चुअल है ना वो, ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला के उत्तर गुजरात बोल देते उसको, बराबर है ना? Yes. आके ना
अतः ये उत्तर गुजरात का एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके नीचे हर उसके जिले में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे हर तहसील में एक एक डीलर, उसके नीचे हर गांव में एक एक रिटेलर, ऐसे इनका नेटवर्क रहता है। क्या रहता है? नेटवर्क। अब ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर रहता है सीएनडीएफ, सीएनडीएफ के ऊपर रहती है एक कंपनी। अभी सीएनडीएफ मतलब क्या? स्टेट का एक, राज्य का एक, गुजरात का एक, कभी कभी गुजरात के दो भी होते हैं, कभी कभी अहमदाबाद का सेपरेट करते हैं, बाकी गुजरात का एक करते हैं। ये अभी डिसाइड कौन करता है नेटवर्क कैसे होना चाहिए? कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट का बिक्री कितना हो रहा है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि मुझे सीएनडीएफ कितने चाहिए, मुझे डीलर कितने चाहिए, मुझे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, राइट है ना। अभी यहां पे एक चीज समझो कि ये कस्टमर है, ये यहां पे गया पानी का बोतल, इसने ये रिटेलर से खरीदा, राइट। ये रिटेलर को कुछ परसेंटेज मिला कि नहीं मिला? यस, टका मिला ना कुछ तो, राइट। डीलर को मिला? मिला। उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी मिला? यस। उसके ऊपर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी मिला? यस। उसके ऊपर सीएनडी है उसको भी मिला? यस। मतलब ये नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सबको वो टका टका परसेंट 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 मिला कि नहीं मिला? यस। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है क्या? हम क्या अलग कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हमारे इधर क्या होता है, अगर एक रिटेलर मेरा प्रोडक्ट लेता है, किसी को बेचता है, तो उसके अपलाइन को भी परसेंटेज मिलता है, उसके अपलाइन को भी मिलता है, उसके अपलाइन को भी मिलता है। ये तो इधर भी हो रहा है, तो इसको लोग क्यों नहीं बोलते गलत है? अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग सब जगह चल रहा है, इट इज अ नेटवर्क, क्योंकि आपको प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक पहुंचाना है किसी भी सिस्टम से, यू नीड अ नेटवर्क, आपको एक नेटवर्क लगेगा। लेकिन 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 फर्क है, फर्क क्या है, फर्क क्या है? प्रोडक्ट बिक रहा है इसलिए पैसा मिल रहा है, आदमी आ रहे हैं इसलिए पैसा नहीं मिल रहा। मैंने रिटेलर अपॉइंट किया इसलिए मुझे पैसा नहीं मिला, रिटेलर से प्रोडक्ट बिक्री हुआ इसलिए पैसा मिला। फर्क है, फर्क है, सोचो समझो। तो हमने इसी सिस्टम को कॉपी किया है। नेटसर्व ने क्या किया, हमने सोचा जो सालों साल से अपने पुरखों से चली आई हुई सिस्टम है ये, जिसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसी को कॉपी करते हैं। होशियारी विद्यार्थी की तरह अभी होशियार विद्यार्थी ने काम कैसे किया, अगर हमें एक दुकान डालनी है, रिटेलर चाहिए, अपॉइंट करना है, तो कितने रुपए लगेंगे? अभी आपने पहले मेरे क्वेश्चन पूछा था दुकान डालनी है 2-5 लाख, अगर डीलर बनना है तो कितने पैसे लगेंगे? उससे ज्यादा ही लगेंगे ना, 10-15। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो 20-25, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो 50 लाख ऊपर, सीएनडी बनना है तो खोखा खोखा। अरे हा ये ना, इसका मतलब अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम करने की इच्छा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, ये इच्छा है मेरे पास, लेकिन अभी पैसे नहीं है, तो मैं ये सिस्टम का पार्ट बन सकता हूं क्या? बन सकते हो, कस्टमर करके आ जाओ, कष्ट करो और मर जाओ। तो हमने सोचा होशियार विद्यार्थी है,
कॉपी करनी है इसी को करते, सिस्टम बराबर है। अब ये किसने बोला कि रिटेलर है तो 5 लाख रुपए लगेंगे, सीएनडीएफ बनना है तो खोका खोका देना पड़ेगा, कौन बोलता है? ये कंपनी बोलता है ना, गवर्नमेंट ने थोड़े बोला है कि सीएनडीएफ के लिए 1 करोड़ दिए नहीं तो सीएनडीएफ दे ही मत, ऐसा बोला नहीं। किसने डिसाइड किया? प्राइवेट। तो चलो हमने बोला हम डिसाइड करते हैं 6300, क्या प्रॉब्लम है? सर्वसामान्य आदमी भी अंदर आए, हमने बोला फ्री लॉगिन, फ्री 500 रुपए है, चालू करते काम तो चालू कर, क्योंकि जो जो लोगों में झील है, जो जो लोगों में कुछ करने की इच्छा है, उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए, प्रूव करने का चांस तो मिलना चाहिए, किसने तो भी ये चांस देना चाहिए, तो ये चांस हम दे रहे हैं। ये चांस हम दे रहे हैं, हमने इसी सिस्टम को एक्जैक्ट कॉपी किया है, खाली नाम बदल दिए, क्योंकि मैं जब रिटेलर दिख रहा था कुछ लोग दुकानदार बोल रहे थे, डीलर दिख रहा था तो कुछ लोग होलसेलर बोल रहे थे, मतलब नाम फिक्स है क्या? नहीं। नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने भी नाम बदल दिए, सीएनडीएफ को हम बोलते हैं सीएमडी क्लब, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं जीडीसी, अरे डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं ऑफ सिल्वर, डीलर को बोलते हैं स्टार सुपरस्टार, लाइटिंग स्टार स्टार सुपरस्टार, और रिटेलर को बोलते हैं बिगिनर। अपने हिसाब से नाम है पापा। सबका नाम नट्टू भाई होना चाहिए, नेसेसरी है क्या? एग्जाम्पल है ना, कौन ले नाम, कौन अपना नाम कौन रखता है? माँ बाप रखते हैं, बुआ रखती है, बराबर है ना, मतलब जो उससे रिलेटेड है वही रखते हैं ना, तो वैसे हमने नाम रख दिए, वैसे हमने भी नाम रख दिए बिगिनर, लाइटिंग स्टार, स्टार सुपरस्टार। जो लोगों को समझ में आए, सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए, उनको एक छोटा सा टारगेट मिले, वो आगे बढ़े, क्योंकि हमारे सिस्टम में भी ये 3 पार्ट है, हमारे सिस्टम में भी रिटेलर है, हमारे सिस्टम में भी यूजर है, हमारे सिस्टम में भी नेटवर्कर है। तो आपको अगर एक अच्छी कंपनी चलानी है, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलानी है, यू नीड 3 सिस्टम 3 पीपल, एक रिटेलर लगेगा जो प्रोडक्ट बेचेगा, एक कस्टमर रहेगा जो शायद नेटवर्क का पार्ट नहीं है या नेटवर्क का पार्ट है लेकिन बिजनेस करने के लिए नहीं आया है, दूसरा, तीसरा आपको नेटवर्कर लगेगा जो ये नेटवर्क खड़ा करे, तो जो नेटवर्कर है उसके लिए बिजनेस प्लान है, जो रिटेलर है उसके लिए रिटेल कमीशन है, जो यूजर है उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड। तीनों अपनी अपनी जगह पे खुश है, इसलिए नेटसर्फ का सेटिस्फेक्शन रेशियो ये 95% प्लस है, और इसीलिए नेटसर्फ पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में हर साल 30-35% की ग्रोथ करते हुए आगे जा रहा है, क्योंकि हमने ये सिस्टम कॉपी किया है। तो आप क्या कर रहे हो अभी, अगर आपको कोई पूछता है क्या कर रहे हो आप, मैं अगर आपको पूछूं क्या करते हो, तो लोग बोलते हैं सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। होता है ना बहुत बार, घर वाले पूछते हैं, बीवी पूछती है क्या चालू किया, क्या लेके नया आया बाबा, इधर पैसे डाल रहा है। हस्बैंड पूछता है घर में अस्मिता को हमारे, क्या कर रही है, किधर जा रही है, क्या बोलते हो आप, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेटवर्क है वो बदतर, पैसा लुटता है। तो मैं आपको आज बताता हूं आप क्या कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आपको अगर कोई पूछे तो आंसर क्या देना है, मैं आपको बताता हूं, वही आंसर देना। सबको बोलो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली, क्या मिली है, 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है हमारे, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, ये 4 प्रोडक्ट कैटेगरी की मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, और मेरे एरिया में मैं इसका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूं, दैट इज माय बिजनेस, मैं नेटसर्फ की डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये छाती ठोक के चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलो, टेंशन नहीं है।
सभी लोग एक लीगल, एक लेजिटिमेट बिजनेस का पार्ट हो, एक ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जो आप तो कर रहे हो, लेकिन इसका मिशन यही है कि यही बिजनेस करे हमारा आपका अगला जनरेशन। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाला बिजनेस है, क्योंकि जैसे एक दुकानदार रहता है, एक दुकान डालता है, आज मैंने दुकान डाल दिया, बड़ा दुकान कर दिया, बाद में मेरे जगह पे मेरा बेटा बैठ रहा है, होता है कि नहीं होता है? वैसे ही नेटवर्क है, आपने एक नेटवर्क चालू किया है, आपने आपका बिजनेस चालू किया है, आप जब तक हो तब तक ये नेटवर्क चालू रहेगा, आपका एक बहुत विशाल नेटवर्क आपने खड़ा कर दिया, आपके बाद आपका बेटा ये आगे कंटिन्यू करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन आज उनका बेटा ये बिजनेस कर रहा है, क्योंकि 17 साल ये बहुत बड़ा पीरियड रहता है। 17 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन अभी वो नहीं रहे, आज बेटा वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है और बहुत अच्छे से इनकम ले रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि वी आर रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जो है वो वापस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी ने गलत लिखी थी, जो किसी कंपनियों ने गलत तरीके से समझाई थी, वो पिछले 17 साल से हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश जारी रहेगी जब तक खराब कंपनियां मार्केट से चली नहीं जाती। इसलिए वी आर सेइंग कि वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, वी आर रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। अभी तक ट्रेंड यह होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट आते थे जो मार्केट में चल नहीं सकते, लोग ऐसे प्रोडक्ट लेके आते थे जो मार्केट में चल नहीं सकते। हमने पहली बार यह ट्रेंड चेंज कर दिया और ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जिनकी जरूरत मार्केट में है। इसलिए वी आर सेइंग हम रीडिफाइन कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा वापस लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम्स, आवर बिजनेस प्लान्स। 17 साल में हर महीने का रिकॉर्ड है, एक भी दिन पे आउट डिले नहीं हुआ, एक्स्ट्रा भी चेक बाउंस नहीं हुआ, जो कमीशन मिला ना एक रुपए ज्यादा मिला ना एक रुपए कम मिला। इसलिए वी आर सेइंग वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम्स। आज नेटसॉफ्ट ये पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने डायरेक्ट सेलर का बिजनेस मोबाइल ऐप के माध्यम से एक स्मार्टफोन पे दिया है, ताकि नए आने वाले टेक्नोलॉजी को हम पहले से अडॉप्ट कर सके, क्योंकि मार्केट बिजनेस मॉडल्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहे हैं और नेटसॉफ्ट उसके लिए आज तैयार है। तो आप एक ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जो विजनरी कंपनी है, जो आगे का सोच के आज चेंजेस करती है। वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, ये हम बोलते हैं बिकॉज नेटसॉफ्ट ने अपना खुद का ऑफिस बनाने के लिए नेटसॉफ्ट को 17 साल लगे, लेकिन फैक्ट्री दूसरे साल में बना दी। का मतलब हमने पहले इन्वेस्ट किया फैक्ट्रीज रिसर्च पे और बाद में खुद के ऑफिस पे। तो हमने हमारा घर 17 साल के बाद बनाया, लेकिन दुनिया का घर पहले बनाने का ठान लिया। इसलिए वी आर सेइंग वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग। आज अगर हम देखते हैं दुनिया भर की, अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये बहुत, जो
बढ़ रहा है। दुनिया का इसका ग्रोथ रेट जो है ये 7.7% है। पूरे विश्व में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 7.7% से ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन नेटसर्व का बिजनेस जो है ये 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आप पार्ट हो। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये बिजनेस अभी 7,500 करोड़ रुपए का है। तो ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसका आप पार्ट हो, ये 7,500 करोड़ की अभी इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है 16% से, लेकिन नेटसर्व बढ़ रहा है 35% से। मतलब इंडिया जोर से बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में भी नेटसर्व डबल की ग्रोथ से आगे जा रहा है। 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की जाएगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक सुनहरा पीरियड रहता है जिसको बोलते हैं बूमिंग पीरियड ऑफ इंडस्ट्री। आईटी का बूमिंग पीरियड कब था? 2000, 99, 2000, 2003, तब जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए आज बहुत बड़े पोजीशन पे है। ऑटोमोबाइल का बूमिंग पीरियड कब था? 2004 के बाद स्टार्ट हुआ, उसके पहले रस्ते पे गाड़ियां कितनी दिखती थी? 3-4 ब्रांड थे, मारुति रहती थी, फियाट रहती थी, एम्बेसडर रहती थी। अभी किधर गई? क्या पता किधर गई, अभी कौन सी दिखती है? सब महीने को नया मॉडल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बूमिंग पीरियड था। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का बूमिंग पीरियड 2018 से, मतलब इस साल से स्टार्ट हुआ है। ये चलेगा 2025 तक। कब तक चलेगा? 2025 तक, क्योंकि ये इंडस्ट्री 7,500 करोड़ से 65,000 करोड़ तक जाएगी। और आप सभी लोग बहुत नसीब वाले हो, वैसे मैं नसीब को मानता नहीं हूं, लेकिन नसीब करके अगर कोई चीज है तो शायद यही है, क्योंकि राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट पोजीशन पे रहना, इसी को नसीब बोलते हैं। yeah. और आप सभी लोग राइट टाइम पे, मतलब जब इंडस्ट्री का बूमिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तब, राइट जगह पे मतलब नेटसर्फ में, और अच्छे पोजीशन पे हो, तो आपका करियर 2025 तक जो इंडस्ट्री बूम हो रहा है वहां पे 100% होने वाला है। ये समझ लो। देखो, अगर आज हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने पेपर में पढ़ा रहेगा जीडीपी ग्रोथ चाहती है। पता है किसी को? नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन जीडीपी वर्ड तो बहुत बार कान पे आया। जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वेरी गुड, दैट इज राइट, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो करंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन जीडीपी, भारत के जीडीपी में डायरेक्ट सेलिंग का करंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 0.05%। कितना है? 0.05, मतलब निग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। अगर हम एशिया की बात करते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम एशिया में रहते हैं, बराबर है ना? yeah. आशिया का एशिया में हम रहते हैं, पता नहीं सबको। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया में दो कंट्रीज है, एक है कोरिया। कोरिया का डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी इज 16%। मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज 14%। 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह चाहता है कि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट 1% करे। कितना करे? 1%। अगर 1% करेगा तो यह 65,000 करोड़ की बनेगी इंडस्ट्री। समझो इस बात को, मतलब अभी भी ग्रोथ बहुत बाकी। तो अब ऐसे इंडस्ट्री के साथ हो, एक ऐसे कंपनी के साथ हो जो ग्रो हो रही है, एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ हो जो ग्रो हो रही है, इसलिए यहां पे आपका करियर 100% होने वाला है। और इसीलिए पहली बार
पहली बार 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए, और मुझे बताते वक्त ये बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि नेटसर्फ ये एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के तहत जो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 100% कंप्लीट करने वाली कंपनी है, और हमें ये एक्नॉलेजमेंट मिला है कि आप पूरे इंडिया में काम कर सकते हो। इसका मतलब आप एक लीगल एंटिटी के साथ आगे जा रहे हो, एक ऐसे कंपनी के साथ आगे जा रहे हो जो बहुत स्पीड से आगे जा रही है। इसलिए वी आर सेइंग वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग। तो अभी आप इतना अच्छा है, एक ऐसे पोजीशन पे आप आए हो जहां पे अभी अगर आपको कोई रोकेगा तो आप ही रहोगे। तो ये जो अपनी ढाल है वो तोड़ दो, ये जो ढाल है वो फेंक दो, दोनों हाथ में तलवार लो और मार्केट में कूद पड़ो, क्योंकि आपको रोकने वाला इस भारत में अभी कोई नहीं है। यार वहां पे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हो, वो नेशनल तो है लेकिन मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाली है, एक इंडियन एमएनसी, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप जुड़े हो, एक ऐसे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारी कंपनियां आई डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जो राज कर रही थी। पहली बार एक भारतीय कंपनी अमेरिका जाएगी और वहां पे भी हम यही बोलेंगे कि वी आर रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि वहां पे भी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, वो वहां पे भी यूज नहीं हो रहे हैं। तो आप एक ऐसे टेक्नोलॉजी और सिस्टम वाली कंपनी के साथ हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजीज है, जिसके प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब हमारा ही नेचुरा मोर, हमारा ही बायोफिट, हमारा ही हब्स एंड मोर बाहर भी मिलेगा। तो अभी अगर आपको कोई रोक रहा है इस बिजनेस को करने के लिए तो आप खुद हो। तो जाते जाते मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैं हर प्रोग्राम के एंड में बताता हूं। देखो, हम सब लोग जब पृथ्वी पे मनुष्य करके आते हैं, जो आ गया बराबर ना, तो हम करियर के पीछे भागते हैं। जानवर करियर नहीं, मनुष्य को करियर करना पड़ता है। और करियर की पहली स्टेप या बेस जिसको बोलते हैं, बेस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? मेजॉरिटी लोग काम करते हैं तीन चीजों के लिए, रोटी कपड़ा मकान, दो वक्त खाने के लिए मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, और रहने के लिए छोटा सा घर मिल जाए। अभी ये पहले से चला आ रहा है क्या? हाँ, बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे, ईसा पूर्व भी जाओगे, बहुत पुराने जमाने में भी जाओगे, जहां पे छोटे छोटे खेड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, वहां पे भी लोग छोटे छोटे घर बना देते क्या? घर बना देते क्या? नहीं बना देते। बना देते छोटे 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 घर बनाते थे। अभी ये छोटे घर कहां पे होते थे? नदी के। हाँ, नॉर्मली होता है था कि ऐसी एक नदी होती थी, नदी, और ये नदी के आजू बाजू में लोग घर बनाते थे, झोपड़े बनाते थे अपने छोटे 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 छोटे, बराबर है ना। इसलिए कोई भी बड़ा शहर देखो, उसके बाजू से एक नदी जरूर जाती है, क्योंकि यही गांव बाद में बड़ा शहर बन गए। तो ये ऐसे झोपड़े बनाते थे और बाजू से एक नदी जाती थी। अभी इनका रोज का कार्यक्रम क्या होता था? क्या करते थे ये लोग? घर में जो भी है, मटके हैं, बाल्टी है, जो भी है, वो उठाते थे, नदी पे चलते थे, पानी भरते थे, लेकर बराबर है।
पुराने पिक्चर्स भी देखोगे, चित्र चित्र पुराने चित्र देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, एक औरत है जिसके सर पे एक मटका है, उस मटके के ऊपर और एक मटका है और वो जा रही है, किधर जा रही है? पानी, पानी बराबर। तो ये सिस्टम ही पहले से चला है, अभी सिस्टम ही है ना, सिस्टम ही है। रोज सुबह उठो, बाल्टी ले लो, मटके ले लो, नदी पे जाओ, पानी भरो, वापस आए, सिस्टम है, पहले से चला आया हुआ सिस्टम। अब ये जो सिस्टम चल रहा था, ऐसे एक गांव था, ये गांव में एक मिस्टर ए था, कौन था? मिस्टर ए। ये मिस्टर ए वाला ये क्या चल रहा है, रोज सुबह उठने का ऐसा, बाल्टी मटके लेके जाने का, नदी पे जाओ, पानी भरो, वापस लेके आओ, मजा नहीं है इसमें, मजा नहीं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये नदी मेरे घर पे आ जाए। क्या सोचा उसने? कुछ ऐसा करते हैं जिससे नदी, एक्चुअली वो एक पाइप की बात कर रहा है, एक पाइपलाइन की बात कर रहा है, लेकिन तब के जमाने में किसी ने पाइपलाइन सुना नहीं था। आजकल तो हम नल खोलते हैं तो पानी आ जाता है ना, बराबर है ना, लेकिन तब किसी ने सुना नहीं था ये। तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव वालों आ जाओ, जबरदस्त आईडिया, नदी घर पे। ऐसे हंसे गांव वाले, पागल है क्या, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, हमारा टेक्नोलॉजी परफेक्ट है, बकेट टेक्नोलॉजी, रोज उठाने का ऐसा, जाने का, पानी लेके आने का। ये तुम जो बोल रहे हो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, वही आप उधर नहीं मान रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये बना सकता हूं। तो उसने क्या किया, ये पाइप बनाने का कार्यक्रम चालू किया, उसने बकेट टेक्नोलॉजी छोड़ा नहीं, रोज सुबह वो भी जाता था बकेट लेके, पानी भरता था, वापस आता था, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें धीरे 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 उसने ये पाइप बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। बनते 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 3 साल चले गए और 3 साल के बाद ये पाइप बन गया। क्या हुआ? 3 साल के बाद पाइप बन गया, उसने पाइप का ढक्कन खोला, पानी भर के, वाह जबरदस्त, सब बोलने लगे वाह वाह वाह, क्या काम किया तुमने, जबरदस्त, पानी घर, वेरी गुड, अभी हमें भी पाइपलाइन बना के दे। तो वो बोला मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि पाइप कैसे बनाया जाता है, मुझे 3 साल लगे, अब शायद 1.5-2 साल में मैं बना दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है स्पीड कब लेना है, स्पीड कब फ्लो करना है। लोग बोले ठीक है चालू कर, तो उसने चालू किया। अभी आज के जमाने की अगर हम बात करते हैं, हमें दूसरा लगता है रोटी, बराबर है। अभी रोटी के लिए चाहिए, अभी वो खेत में उगानी है तो भी पैसा लगता है, या मार्केट से लेके आनी है तो भी पैसे लगता है। अभी पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, बाल्टी की जगह बैग पकड़ते हैं, ऑफिस और जाते किधर, काम पे, काम पे, दिन भर वापस बैग लेके घर, और फिर 30 दिन होने के बाद अगर जॉब कर रहे हो तो, किसान हो तो कब पता नहीं, बराबर है ना, जाना रख पड़ेगा, कब आएगा पता नहीं, कुछ तो आता है। अभी मिस्टर है किधर है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या कि ऐसा पाइप बनाया जाए, पाइप का ढक्कन खोला, पैसा घर में। कर सकते हैं क्या? मिस्टर है किधर है, कौन है मिस्टर है? देखो आप सभी लोग मिस्टर ए हो, अभी आपने ये पाइप बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। अभी ये सुनते बहुत लोग गोटी हो रहे थे, जबरदस्त
अभी देखो देखो मैं कैसा पाइप बनाता हूँ, डम 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 पाइप बना देते हैं, पाइप का ढक्कन खोलते हैं, कुछ आता ही नहीं, क्यों नदी गया? हमने नेक्स्ट जॉइन तो किया, लेकिन इसके लिए दिल कैसे धड़कना चाहिए,
इसके लिए दिमाग जो है ये दिमाग अपने शरीर के लिए शरीर के घर में कैसे हमें आगे बढ़ाना है ये भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ये प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे ये सब बातें सुनने के लिए अभी हमारे साथ में आने वाले हैं जबरदस्त शख्स जब भी हमारा दिमाग बंद होता है जब भी हमारा शरीर फंसने लगता है तो इस व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं सर कुछ तो भी बोलो सर कुछ तो भी शिक्षा दो कुछ तो भी शरीर लगाओ ये हमारे मास्टर है रिंग मास्टर है यस और ये रिंग मास्टर ऐसे है कि जिनकी छड़ी चलने लगती है तो बड़े बड़े हाथी बाघ सिंह सब तालाब तो क्या ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहेंगे अभी थोड़ा हमें अभी चलते हैं ये सब के शरीर के साथ में वो हमारे प्रदीप पेपर से एक बार वापस चौदह मेहनत और विश्वास सिस्टम अच्छा है फ्यूचरिस्टिक है विजनरी कंपनी है
तो मुझे बताइए करंट सिनेरियो में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीम. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीम, वेरी गुड. और ट्रस्ट, फेथ, अच्छी अपलाइन, वेरी गुड. और नीड, प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंस, प्लान, मैनेजमेंट. मतलब हम लोग हर चीज किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लान अच्छा होना चाहिए, वो कंपनी का है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो भी कंपनी के है. टीम मैनेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो डाउनलाइन है. अपलाइन अच्छा होना चाहिए, मतलब वो ऑफलाइन है. ये सब लोग इंपॉर्टेंट है. What is important to be a successful businessman? अगर हम लोगों को सक्सेसफुल बनना है इन नेटवर्क नेटवर्क या दुनिया के किसी भी फील्ड में, तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है यू. यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस. मेरे सक्सेस, मेरे फेल्यूर में दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आ सकती अगर मैं यहां पर पूरा दिल से इस काम में लगा हूं तो. क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल है तो रिस्पॉन्सिबल आप है. अगर आप फेल्यूअर है तो कंट्रीट भी आप है. ना कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, ना सीनियर, ना डाउनलाइन, ना ये मौसम. सक्सेस एंड फेल्यूअर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहले ये हमने सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मैं सच में दिल से कर रहा हूं, क्या मैंने पूरा डिसाइड करके काम शुरू किया है. देखो नेक्सस नेटवर्क में काम करने से पहले, मतलब नेक्सस नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी जब नेक्सस ने मुझे दी, उसके पहले मैं हार्डकोर सेल्स में था. मैंने मेरा करियर इसी अहमदाबाद शहर में शुरू किया है, एम्पेस कंपनी में. 98 के आसपास, 97-98 के आसपास मैं एयर कंडीशन सेल करता था. यहां से पूरा भारत घुमा हुआ हूं अलग अलग फील्ड में. और 99 से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैं आया. हर जगह काम किया, कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया. जब नेक्सस नेटवर्क को संभालने का मौका मिला तब ये डिसीजन लेना मेरे लिए भी बहुत टफ था. क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को टीम को संभालना ये डिसीजन बहुत टफ डिसीजन था, जो मेरे लिए था, मेरे फैमिली के लिए था, मेरे दोस्तों के लिए था. कि उन्होंने बोलना शुरू किया तो क्या कर रहा है, 5 लोगों को लेके बैठ के 15 लोगों को लेके सेमिनार ले रहा है, मीटिंग ले रहा है. क्योंकि इनिशियल लेवल में जब नेक्सस ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्लान लॉन्च किया, तब नेटवर्क तैयार नहीं था उसको समझने के लिए. तो शुरुआती दौर में हर सेमिनार, हर मीटिंग में हम लोग जाते थे, प्लान बताते थे, सिस्टम बताते थे. अब इसकी न्यूज, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे ही आसपास के लोगों में जा रही थी. लेकिन फिर भी इस नेक्सस नेटवर्क के लिए पिछले 18 साल से रात दिन काम कर रहा हूं. आगे आने वाले समय तक काम करता रहूंगा. उस समय एक डिसीजन लिया था कि जो मैंने सोचा है वो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी कंपनी के लिए एकदम राइट डिसीजन है. क्योंकि जो डिसीजन लिया है बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन है. ऐसे ही किसी ने बोल दिया काम पे लग गए, ऐसा डिसीजन नहीं लिया हम लोगों ने. जो कुछ किया पूरा दिल से किया, जो कुछ किया अपने आप को झोंक के किया. देखो नेक्सस नेटवर्क में मैं कई सारे लोग देखता हूं काम करते हैं पर वो काम करने की कोशिश ज्यादा करते और काम कम करते. समझ में आ रहा है? कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सक्षम अचीव होना है, मैं सक्षम या अस्मिता अचीव होने की कोशिश करूंगा. क्या करूंगी? कोशिश क्यों कर रहे हो? एक तो अचीव करो, नहीं तो मत करो. हम लोग यहां टाइम पास करने के लिए कि भाई
कुछ भी काम नहीं बचा अभी लाइफ में, सबका एकदम घर में एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, आने वाले दो तीन पीढ़ी तक पैसे की कमी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है तो यहां पर आकर थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं, ऐसा कुछ है किसी का? अरे ऐसा कुछ है क्या? तो हम लोग यहां क्या करने आए? हम लोग यहां कुछ पैसे कमाने आए, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने आए? तो अगर सिक्योर करने आए हैं तो क्या हम लोग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं या सिक्योर कर रहे हैं? सिक्योर कर रहे। काफी कम आवाज आई काफी कम आवाज आई, क्योंकि अगर कोई भी काम करना है तो चाहे वो नेक्स्ट ऑफ नेटवर्क रहे या कोई और रहे, जो काम करना है स्टार्ट विद द डिसीजन, ये डिसीजन के साथ शुरू होता है। आपने डिसाइड किया मैंने ये करना है तो करना है। कभी भी कोई भी काम आप कोशिश मत करो, मैं बिजनेस करने की कोशिश करूंगा, ऐसे कभी नहीं बोलना है। मैं ये काम करके रहूंगा आर्ट इन कॉस्ट। कोई भी काम की शुरुआत हम लोगों के डिसीजन के साथ करनी है कि मैं ये काम करके रहूंगा, एंड मेक अ डिसीजन टू सक्सीड एंड यू विल। एक डिसीजन के साथ शुरुआत करो कि मैं ये अचीव करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो जब नेक्स्ट ऑफ नेटवर्क की शुरुआत की, कई लोगों ने बोला, देखो हम लोग, मैं, केतन, सुजीत सर, लक्ष्मीवाणा, हमारे इंटर टीम जब नेक्स्ट ऑफ की शुरुआत की 24-25-26 साल के थे हम लोग, हमको बच्चों की कंपनी बोला जाता था। ये बच्चों ने शुरू की ही कंपनी है, बट उनको नहीं मालूम था ये बच्चे प्रोफेशनल्स हैं, उनको नहीं मालूम था ये बहुत विजनरी बच्चे हैं, उनको ये नहीं मालूम था ये कहां आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी सोच एक डिसीजन के साथ शुरू हुई थी, हम लोगों ने डिसाइड करके काम किया था कि यही बिजनेस करे आपका और मेरा अगला जनरेशन। और जब अगले जनरेशन की बात आती है ना, तो हर सिस्टम में अपने आप को झोंक कर उसको फुल प्रूफ बनाने का काम होता है। तो जैसे आज नेक्स्ट ऑफ हमने शुरुआत की, वैसे यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति ने एक डिसीजन के साथ काम की शुरुआत करनी है। यू स्टार्ट विद द डिसीजन एंड यू विल, एंड योर हार्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द विजन यू हैव। क्योंकि जो भी विजन आपने देखा है, देखो नेक्स्ट ऑफ में आने से पहले कुछ तो विजन लिया होगा, नेक्स्ट ऑफ में काम करते समय कुछ तो सोचा होगा कि भाई मैं यहां पर 50,000 महीना कमाऊंगा, मैं यहां पर 5-6 कंट्री घूम के आऊंगा या आऊंगी, मेरे यहां पर 1,500 लोगों की डाउनलाइन होगी, मैं यहां पर 5-6 स्टेट में अपना नेटवर्क फैलाऊंगा, मेरा यहां पर हर महीना 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का चेक बनेगा। जो भी आपने सोचा है, जो भी सोचा है, वो दिल से सोचना है। आपका जो हार्ट है ना, वो आपके विजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हार्ट आपके विजन के साथ में कनेक्ट है ना, क्योंकि जब लोग आपको सुनते हैं तो आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आप क्या शब्द यूज कर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे फील योर हार्ट। आपके हार्ट बीट को वो फील करते हैं, क्योंकि पीपल मस्ट हियर योर वर्ड बट फील योर हार्ट, कनेक्ट इट टू द ड्रीम। देखो मैं या केतन सर या कोई भी यहां पे स्पीकर आके जब बात करता है, हम लोग की सोच समझ के यहां पर आके डिस्कस नहीं करते, बट जो बात करते हैं दिल से करते हैं, जो निकलता है पूरी अंदर की आवाज से निकलता है, क्योंकि हमारे विजन में, हमारे हर चीज में हमारा हार्ट कनेक्टेड है। योर हार्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द विजन यू हैव। आपके विजन के साथ में आपका हार्ट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको कितना प्रोडक्ट नॉलेज है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितना इस बिजनेस में 100% तैयार है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपका विजन क्लियर है और उसको आपने पूरे हार्ट के साथ जोड़ा है तो अपने आप आवाज आएगी और लोग आपसे कनेक्ट होंगे। देखो कई सारे लोग होते हैं
प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, प्लान मालूम नहीं होता, फिर भी लोग कन्विंस होते हैं उनसे। क्यों? कि वो जो बात करते हैं वो पूरा दिल से करते हैं, और दिल से बात वही करता है जो अपने विजन को लेकर आगे बढ़ता है। तो योर हार्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द विजन यू हैव एंड शेड्यूल अ किक ऑफ मीटिंग विद योर लीडर। जो काम की शुरुआत करनी है, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति शायद अभी भी कुछ दिनों या कुछ महीनों से काम करने की कोशिश कर रहा है ना, तो भी कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को कहीं ना कहीं शुरुआत करना होगा, और शुरुआत करने की जो शुरुआत है आपको एक मीटिंग करना होगा उस व्यक्ति के साथ जिसको आप आपका गाइड, जिसको आप आपका कोच या आपका सीनियर या आपका लीडर मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका अपलाइन हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका इंट्रोड्यूसर हो सकता है, आपके कंपनी का मैनेजर हो सकता है, आपके इंसिडेंट का लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको एक कोच, एक गाइड और एक सीनियर, एक लीडर की जरूरत होती है जो आपको सच्चाई बताए। देखो हम लोग काम करते हैं, गलतियां हम भी करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बस काम करते समय जब गलती हो रही है तो हमारे साथ में, जैसे मैं खुद फील्ड पे जाता हूं तो मेरी हर बात तुम्हें केतन सर के साथ शेयर करता हूं, केतन सर कई सारी बात मेरे साथ शेयर करते हैं, उस समय हमको समझ में आता है कि यहां गलत जा रहे हैं हम लोग, यहां ऐसे जाना चाहिए। कि कोई ना कोई कोच या गाइड या एक लीडर या एक सीनियर की जरूरत होती है, तो आपको आपके सीनियर के साथ एक किक ऑफ मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, शुरुआत, ये आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। शेड्यूल अ किक ऑफ मीटिंग विद योर लीडर, अ किक ऑफ मीटिंग वेयर यू किक ऑफ योर बिजनेस बाय मीटिंग योर लीडर एंड गेटिंग एन इनिशियल बिजनेस प्लान डन। क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप का प्लान है ना, 3%, 4%, 5%, 6%, वो नेक्स्ट स्टेप का प्लान है, वो आपका है क्या? क्योंकि वो आपको कमीशन देने के लिए बनाया गया प्लान, वो अकाउंटिंग सिस्टम है नेक्स्ट स्टेप का, बट आपका बिजनेस प्लान क्या है? आपका बिजनेस प्लान रेडी है क्या? वो रेडी करना होगा। मतलब क्या कि भाई मुझे एक साल में इस पोजीशन तक जाना है, मुझे जनवरी महीने में ऑफ क्लब बनना है, मुझे जनवरी महीने के फास्ट ट्रैक के C1, C2, P1 में एंट्री करनी है, मार्च एंड तक मेरा टोटल इनकम 3,00,000, 5,00,000 होना चाहिए, उसके रिवर्स कैलकुलेशन में प्लान तैयार करो। That should be your business plan. क्योंकि 3%, 4%, 5%, 6% ये नेट सर्व का प्लान है, आपका नहीं है। वो आपको पे आउट मिलने के लिए नेट सर्व का अकाउंटिंग सिस्टम है, आपको आपका एक प्लान बनाना होगा, और वो प्लान आप बनाओगे आपके लीडर के साथ में किक ऑफ मीटिंग के साथ, और ये मीटिंग के बाद आपका एक्चुअल डोर्स ओपन होगा फॉर योर बिजनेस। क्योंकि आप और आपका सीनियर ये एक विजन के साथ चलने चाहिए, आपके सीनियर को मालूम चाहिए कि आपको क्या करना है, और इसी के साथ आपको भी मालूम चाहिए कि आपके सीनियर के आगे के प्लान्स क्या है। अब जिसको भी आपका लीडर कैसे काम करता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, कितने प्रोडक्ट है, नेक्सट के पास अलग अलग टूल्स है, कौन से टूल्स है, सक्षम है, अस्मिता है, बिजनेस प्लान के मैनुअल्स है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, ये कहां से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कितने स्टॉक पॉइंट है, प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या, होम डिलीवरी हो सकती है क्या, इच एंड एवरीथिंग, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके सीनियर के पास है। उसके लिए पहले हमें अपने सीनियर के साथ एक किक ऑफ मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होगी, और जिस दिन ये मीटिंग की उसी दिन को बोलेंगे इट इज ऑफिशियल स्टार्ट टू बिल्डिंग योर बिजनेस, क्योंकि वो होगा आपके बिजनेस का पहला दिन। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये पैसे बनाने की मशीन नहीं है, मशीन है क्या ये? मशीन है नेटवर्क मार्केटिंग पैसे बनाने की मशीन नहीं है, ये एक बिजनेस है,
और इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करना होगा। और अगर बिजनेस के तरीके से करना है तो उसके अंदर जो एल्गोरिथम स्टेप्स है उसी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और उसी स्टेप में पहला प्लान होता है आपका खुद का बिजनेस प्लान बनाना, आपका खुद का एक शेड्यूल डिजाइन करना और उसके बाद काम की शुरुआत करना। और जो भी आपने बिजनेस प्लान बनाया है उस बिजनेस प्लान को यू शुड पुट योर कमिटमेंट इन राइटिंग। हवा में नहीं करना चाहिए, ये तो हवा में तीर चलाते हैं। सर मुझे 8/19 ₹250 चाहिए, बोलते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं आपका टारगेट क्या है, 8/19 ₹250। मैं इसको सेकेंड क्वेश्चन करता हूं, 8/19 ₹250 के लिए कितना टर्नओवर लगता है? कितना लगता है भाई? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, मुश्किल सवाल है ना, क्योंकि वो कौन से पोजीशन के ऊपर है, कौन से पोजीशन पे उसके ऊपर डिपेंड लगता है उसको कितना टर्नओवर लगेगा। इस चीज को समझो, हवा में तीर नहीं चलाना है। पुट योर कमिटमेंट इन राइटिंग। जो कुछ भी काम करो एक डायरी के ऊपर, नेक्सस की डायरी है अहमदाबाद ऑफिस में मिलती है, वो एक लो, उसकी शुरुआत में लिखो कि ये महीना चल रहा है सितंबर, मैं मार्च एंड तक इस पोजीशन पे जाना चाहता हूं या चाहती हूं, मार्च एंड तक मेरा ये प्लान रहेगा, उसके बाद अगले साल में मिनिमम इतना कमाना चाहता हूं, उसके अगले साल में इतना मिनिमम मेरा इनकम आएगा ही आएगा। जब आप ये लिखते हो ना तो आपका सीनियर, आपके सीनियर को भी लगता है कि आप सीरियस हो, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हर दिन हजारों लोग आते हैं, आते कि नहीं आते। देखो नेक्सस में, अगर मैं नेक्सस के जॉइनिंग रेशो का स्पीड की बात करता हूं, हम लोग पिछले 1.5-2 घंटे से यहां बैठे हैं, नेक्सस का स्पीड है हर मिनट एक बंदा नेक्सस में जुड़ता है पूरे भारत में, एवरी मिनट। 2 घंटे यहां बैठे 120 लोग जुड़ चुके हैं बाहर, समझ में आ रहा है? इतनी स्पीड से नेक्सस नेटवर्क बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से लोग आ रहे हैं। अभी इतनी स्पीड से लोग जो आ रहे हैं उसमें से आप अलग दिखने चाहिए, आपके ऊपर आपके सीनियर की नजर जानी चाहिए, आपके कंपनी की नजर जानी चाहिए। ये कब जाएगी? जब आप अपने आप को सिस्टमेटिक बनाओगे, क्योंकि जब हम लोग अपने आप को सिस्टमेटिक बनाते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट आपके लिए काम करता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बट वहां जाने के लिए पहले अपने आप को सिस्टमेटिक बनाना होगा। पुट योर कमिटमेंट इन राइटिंग एंड नो द 3 S ऑफ अप्रोचिंग टू एनीवन, शॉर्ट सिंपल एंड सिंसियर। देखो नेक्स्ट नेटवर्क का बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, सिंपल है। 3 टका, 4 टका, 5 टका, 6 टका प्लान खत्म। जितने वो भी बेचा उसका 5% डायरेक्ट से, और कुछ बचा है प्लान में। बट होता क्या है, हम लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि समझ में नहीं आता कि भाई ये प्लान क्या बोल रहा है। होता है ऐसा, हम लोग कुछ दुनिया से अलग काम करते हैं क्या? दुनिया से अलग काम करते हैं? हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली? अरे बताइए, हम लोग करते क्या है? कंफ्यूज, क्या करते हैं हम लोग? बिजनेस मतलब क्या करते हैं? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारा काम देखो, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मैं परिभाषा की तरफ जाता हूं ना, डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब ये प्रोडक्ट वितरित करने की प्रणाली है। अगर ये प्रोडक्ट वितरित करने की प्रणाली है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रोडक्ट वितरित कर रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं और ग्राहकों को वितरित कर रहे हैं। इसके बीच में हमारे साथ में हमारे जैसे और वितरण करने वाले लोगों को हम लोग जोड़ते हैं। दैट्स इट। जितने जुड़ते हैं उतना हमको पैसा मिलता है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है।
लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हर चीज को, सीनियर से बात करते हैं, अरे सर वो ऐसा हो गया वैसा, सीनियर बोलता है भाई इसको बोलना क्या एग्जैक्ट, कस्टमर के पास जाते नेक्स्ट नंबर बताते, नेक्स्ट नंबर को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर डालते कि समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट नंबर है क्या चीज, होता है ऐसा स्टिंगरिच, उसमें गिने चुने पांच छह चीजें हैं रिजल्ट के लिए, बट उसको इतना लंबा चौड़ा भाषण दे देते कि वो कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी चीज जब अप्रोच करो, चाहे वो आपके कस्टमर हो, आपके सीनियर हो, कंपनी के मैनेजर हो या कॉल सेंटर हो, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सिंसियर। इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, क्योंकि अभी का जो नया मतलब जिस तरीके से जनरेशन बढ़ रहा है ना, इस जनरेशन में हमारा जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग बहुत दिनों तक बहुत लोगों को झेल नहीं सकते, सकते हैं क्या? गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते, होते ही नहीं होते, मैं तो होता हूं, आप लोग होते हैं क्या? होते हैं, क्योंकि पेशेंस कम हो गए हैं। तो आपकी टीम में ये आदत लगाओ पहले अपने अंदर, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सिंसियर। फिर चाहे आपके कंपनी के मैनेजर को लेकर बैठते, मैं कई बार देखता हूं, मैं भी कई बार ऑफिस जा रहा हूं, वहां पे लोग बात करते, बात होती इतनी लेकिन घुमा के बात करते, टू द पॉइंट आना, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो फटाफट मीटिंग करते और आगे बढ़ते। एक चीज ध्यान रखो, आपका जो भी टारगेट हो उस टारगेट को शॉर्ट सिंपल एंड सिंसियरिटी के साथ बनाओ, क्योंकि जितना आप उसको सिंपल बनाओगे उतना उस पर काम करने में ज्यादा मजा आएगा। तो आपका हर अप्रोच ये शॉर्ट सिंपल एंड सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए। अंडरस्टैंड द रिक्रूटिंग एंड सेलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों को रिक्रूट करते हैं या सेल करते हैं? अरे बोलिए क्या हो गया? हम लोगों को रिक्रूट करते हैं या लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं? अभी पढ़ लिया तो बोलते हैं कि रिक्रूट करते हैं। तो भी बताइए मुझे यहां पे कितने लोग हैं जो डेली अपने हर रिक्रूट किए हुए लोगों से बात करते हैं? बहुत कम हाथ आए। देखो रिक्रूटिंग एंड सेलिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग अगर एफडीएम ले रहे मतलब हम लोग रिक्रूटिंग कर रहे हैं। कई बार होता क्या है, हम लोग किसी को प्रोडक्ट देते हैं जो भी है 2,000, 5,000, 10,000 का, एक बार पैसा लिया कि बोलते हैं सर उसको पॉज करके आ गया और सच में उसको क्लोज ही कर देते। इसलिए क्लोजिंग कभी नहीं करना है। यहां पर हम लोगों ने हमारी टीम में रिक्रूटिंग भी होनी चाहिए, सेलिंग भी होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने कंज्यूमर है, जितने यूजर है, उनको हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हर एक कंज्यूमर को, हर एक यूजर को। बट इसी के साथ में हमारी टीम में हमारे जैसे लोग रिक्रूट होने चाहिए, क्योंकि सेलिंग इज ट्रांजैक्शन, पैसा लिया, माल दिया, बात खत्म। रिक्रूटिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है जब लोग रिक्रूट करते हैं। सेलिंग इज वन टाइम इवेंट, एक ही बार होता है सेलिंग, एक बार माल बेचा, थैंक यू वेरी मच, भाई तू कौन? क्योंकि हम लोग हमारे पास कई सारे आपके कंज्यूमर के फोन आते हैं कि सर वो एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट दिया था नेचुरल मूड, दोबारा उसने फोन ही नहीं उठाया, इसको कैसे यूज करना मालूम नहीं। ऐसे कई सारे लोगों के फोन आते हैं क्योंकि वो वहां पर हम लोग वन टाइम इवेंट करके छोड़ देते हैं। सेलिंग इज वन टाइम इवेंट, बट रिक्रूटिंग बर्थ मेनी इवेंट्स इन द फ्यूचर। जब रिक्रूट करते हो तो बार बार उससे मिलते हो, बार बार नए इवेंट्स यहां पर आते हैं,
Selling is about closing people, including about opening future. Network marketing में एक चीज ध्यान रखो, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर बनाने आए हैं और फ्यूचर बनाने के लिए हम लोगों ने हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है. जितने लोगों को रिक्रूट करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लेवरेजिंग का बिजनेस है. देखो, आपका विजन और नेटवर्क का विजन ये कनेक्ट होना चाहिए. एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, नेटवर्क के पास जितने भी प्रोडक्ट है मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो वन टाइम यूज वाला है. जितने भी प्रोडक्ट है वो रिकरिंग के प्रोडक्ट है, बार बार लगते हैं. फिर चाहे वो स्किमरिच रहे, फिर चाहे वो टूथपेस्ट रहे, फिर चाहे वो नाशोमोल रहे, कोई भी चीज बार बार लगती है. फिर नेटवर्क ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए वो रिकरिंग के क्यों बनाए? ताकि आप एक ही कंज्यूमर बनाकर उसको सालों साल प्रोडक्ट देकर हर बार आपका 5% कमीशन और 3%, 4%, 5% कमीशन कमाते जाओ. तो आप ये कब कर पाओगे? जब आप आए हुए कंज्यूमर को बार बार सर्विस दोगे. हमारे डाउनलाइन में जितने भी नए लोग आए हैं उनके यहां पर हमें बार बार जाना चाहिए. उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने बार हम लोग उन लोगों से मिलेंगे उतने बार नया बिजनेस जनरेट होगा. क्योंकि नेटवर्क एक ऐसा कंपनी है जो आने वाले समय में धीरे 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 आपके हर कंज्यूमर को लगने वाली हर जरूरत को पूरा करने वाला है. अभी तो हमारे पास 53 प्रोडक्ट है, आने वाले एक दो महीने में ये प्रोडक्ट 55 से निकलकर 60 तक जाने वाले हैं, 65 तक पहुंचने वाले हैं. और साल के एंड तक नेटवर्क का टारगेट है ये प्रोडक्ट रेंज मिनिमम 75 को क्रॉस करनी चाहिए. तो जब जब नया प्रोडक्ट आएगा तो जरूरत नहीं है कि हर नए आदमी को ही पकड़ो. अरे आपके पास ऑलरेडी कंज्यूमर्स है, तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को जितना हम लोग प्रोडक्ट देंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा. तो यहां पर लोगों को रिक्रूट करो. वन टाइम सेल कर तो छोड़ना नहीं है, क्लोज नहीं करना है. बिल्डिंग एंड विनिंग, बिल्डिंग एंड मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल. देखो, नेटवर्क नेटवर्क में कई सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं. वो सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं कि वो अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानते हैं. देखो, जरूरी नहीं है कि आप कितना अच्छा बात करते हो, कितना प्रोडक्ट नॉलेज है, कितना आपके अंदर अलग अलग स्किल्स है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहां पर सक्सेसफुल वही व्यक्ति होगा जो अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानेगा. क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था, इस बिजनेस में अगर कोई सक्सेसफुल होगा जो खुद को लेकर काम करेगा, बिकॉज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर वो कोई है तो वो है आप खुद, मतलब मैं खुद. और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो, उसको बाहर निकालो. क्योंकि थिंक ऑफ योरसेल्फ, यू आर अ पावरफुल पर्सन. आप एक पावरफुल पर्सन हो. आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हो जो दुनिया के आने वाले समय की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने वाली है. और आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप तो पावरफुल हो. तो अपने अंदर के पावर को पहचानो. यू आर अ पावरफुल पर्सन. थिंक ऑफ योर सेल्फ, यू आर ऑथेंटिक, मतलब सच्चे, मतलब प्योर बंदे हो. प्योर प्योरिटी होनी चाहिए, झूठ नहीं चलेगा. नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक जितना झूठ बोलना था हो गया, बट आने वाला समय ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस का है. यहां पर आपको ऑथेंटिक होना होगा, प्योर बनना होगा. You are an authentic person. Think of yourself. You are consistent player. रोज काम करते हो, हर दिन सुबह निकलने के बाद, चाहे एक घंटा हो, चाहे दो घंटा हो, चाहे आठ घंटा हो, चाहे दस घंटा हो, रोज काम होना ही है. रोज खाना खाते हैं ना हम लोग? Yes. रोज खाना खाते हैं, रोज
कई कई लोग नहाते हैं। हम बहुत सारी चीजें हरदिन करते हैं, फिर काम हरदिन क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपका करियर बन सकता है, रोज काम होना चाहिए, चाहे वो कितना भी दे, एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, दस घंटा, कितना भी दे, बट रोज काम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर काम फील्ड पे जाके, लोगों के घरों में जाके करें। कई सारे काम ऐसे होते हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, पांच कॉल कर सकते हो, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ा सकते हो, मोबाइल पे सिस्टम देख सकते हो, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, बट रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए। यू शुड बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर एंड यू शुड बी विजिबल पर्सन। थिंक ऑफ योरसेल्फ, विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जो पहचान है वो दिखनी चाहिए। वो कब दिखेगी? जब अपने आप को सिंसियर बनाओगे, जब अपने आप को विजिबल करोगे। छुटके काम नहीं करना है। केतन सर ने बोला ना, चौक पे खड़े के छाती ठोक के बोलो कि मैं नेटवर्क नेटवर्क करता हूं। यू शुड बी विजिबल, सामने होके काम करो, सामने दिख कर काम करो। एंड यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन। अपने वैल्यू को पहचानो, अपने आप को कभी डाउनग्रेड मत करो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो शायद आपने नहीं पहचानी है। पर जैसे जैसे आप नेटवर्क में आओगे, नेटवर्क के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करोगे, तो आपके अंदर की वो क्वालिटी को निखारने का काम नेटवर्क करेगा। इसीलिए अपने अंदर को पहचानो, थिंक ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट के करियर स्टेप में ये तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शुरुआत करते हो, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कितने लोग अस्मिता सबसे मैच्योर है, बट अगर नेक्स्ट में सक्सेसफुल होना है, पहला स्टेप है अस्मिता या सक्षम अचीव करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप या आपकी डाउनलाइन, सक्षम अस्मिता अचीवमेंट होनी ही चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आज हम लोग आए हैं सक्षम अस्मिता अचीव होने के लिए, आए हैं क्या? किसने आए हैं? फास्ट ट्रैक तो जनवरी में आएगा। क्योंकि हमारा, क्योंकि एक स्टेप तो गया, अभी सेकंड स्टेप होना ही चाहिए। ये महीने में हमारा क्लब नेक्स्ट हमको अचीव करना है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे एंट्री लेनी है, और आपके डाउनलाइन को स्टेप वन पे डालना है, तो ही जाके आपका ग्रोथ बढ़ेगा। नेक्स्ट के करियर स्टेप में तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति नेक्स्ट में आता है, आप या आपकी डाउनलाइन, उसको पहले दिन से क्लियर करो कि भाई तुझे सक्षम या अस्मिता अचीव होना ही है, और वो होने के लिए सिर्फ एक महीने का समय। उसको लेट नहीं करना है, ज्वाइन होते ही उसके दिमाग में डालना चाहिए। करना कितना है? 30,000 टर्नओवर लेग वन, 30,000 लेग टू फिनिश। 30,000 कैसे करना है? आपके फ्री के साथ बैठो, प्लान बनाओ, उसके हिसाब से काम करो। पांच लोगों के ऊपर काम करोगे, दो या तीन 100% अचीव होंगे। तो आपका पहला स्टेप है सक्षम अस्मिता, दूसरा स्टेप है क्लब स्टेप, तीसरा स्टेप है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक की जो शुरुआत की थी, एक तरह एक्स्ट्रा कमीशन दिया था, अभी जनरेशन इनकम दे रहे हैं। फास्ट ट्रैक अचीवर्स आर द पीलर्स ऑफ नेटसर्फ। ये नेटसर्फ के पीलर्स है। तो आप सोचो, आने वाले समय में नेटसर्फ इस फास्ट ट्रैक अचीवर के लिए क्या क्या करने वाला है? क्योंकि आने वाले समय में अगर नेटवर्क नेटवर्क को कोई आगे बढ़ाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक अचीवर बढ़ाएगा। इसके लिए नेटवर्क फास्ट ट्रैक अचीवर के लिए बहुत कुछ नया करने के चक्कर में है। अभी आप में से काफी सारे लोग शायद फास्ट ट्रैक अचीवर होंगे, बट काफी सारे लोग ये नहीं होंगे। तो आप लोगों को तैयार होना है। जनवरी महीने में वापिस फास्ट ट्रैक आ रहा है, और जनवरी महीने का जो फास्ट ट्रैक आएगा, वो कुछ वापस नया धमाका लेकर आएगा। तो अपने आप को तैयार करो, जनवरी महीने में फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है।
3 जनवरी से लेके तो 31 जनवरी तक का समय है जहां पर हमको फास्ट ट्रैक में एंट्री लेनी है। बट अगर तब सोचोगे ऐसी नहीं कर पाओगे, आज से तैयारी करनी होगी। शुरुआत होगी इसी महीने के क्लब नेक्स्ट अप क्लोजिंग पे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ नया नेक्स्ट अप लेकर आएगा और जनवरी महीने में वापस फास्ट ट्रैक आएगा। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति फास्ट ट्रैक में एंट्री लेनी है इन जनवरी मंथ। देखो नेक्स्ट अप नेटवर्क के 3 करियर स्टेप है। नेक्स्ट अप नेटवर्क को करते क्या है, क्या करते हम लोग बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करने के लिए आए हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हैं। एक वापस सिंपल क्वेश्चन करता हूं, बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? पैसा। अभी खुद बोल रहे भाई, खुद तो हो बट खुद कर करके करोगे क्या? और भी कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए? टीम, प्रोडक्ट, नॉलेज, लोग चाहिए। लोग, वेरी गुड। और बर्निंग डिजायर, क्या बात, बड़े बड़े वर्ड आ रहे। और क्या चाहिए, क्या चाहिए? सेल्फ, मतलब खुद मैं, क्या बात, वेरी गुड। और परफेक्ट मार्केट। देखो दुनिया में कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो नेक्सस नेटवर्क का करो या कोई भी करो, जैसे गुजरात, इस गुजरात ने पूरे भारत को बिजनेस सिखाया है। सिखाया या नहीं सिखाया? पूरे भारत को बिजनेस सिखाया है। अगर गुजरात को एक कंट्री बना देना उनको, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिकल ग्रोथ वाला स्टेट है ये दुनिया का। मतलब गुजरात का जीडीपी ग्रोथ, गुजरात का जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गुजरात का जीडीपी ग्रोथ, मतलब इस गुजरात ने पूरी दुनिया को बिजनेस कैसे करना है वो सिखाया है। और ये पूरे गुजरात का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10-15 सालों में पूरी तरीके से चेंज हुआ है। अगर ये गुजरात ने पूरी दुनिया को बिजनेस सिखाया है तो भाई मुझे एक सिंपल चीज बताइए, बिजनेस करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सी है? रुपया। एकदम सही बोला आपने, रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रुपया का बिजनेस होगा क्या? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपने पकड़ ली, नॉलेज, नॉलेज। अरे भाई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लोग। की फैक्टर्स ऑफ एनी बिजनेस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स। 2 इंपॉर्टेंट चीजें है दुनिया का कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो नेक्सस नेटवर्क रहे या बाजू में हॉल के बाहर चाय की टपरी रहे। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेक्सस नेटवर्क में भी आप बिजनेस करने आए हैं क्योंकि ये पैसे छापने की मशीन नहीं है। अगर बिजनेस करने आए हैं तो यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर किसी ने बोला होगा आपको कि आप आ जाओ, 2 लोगों को जोड़ दो, आपको पैसा शुरू हो जाएगा, ऐसे होने वाला नहीं है। यहां पर इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगा जिनको हैंडल करना होगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दुनिया कोई बिजनेस करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अप में जब काम की शुरुआत करते हो ना, इनिशियल लेवल में खर्चा होता है, होता है कि नहीं होता है? Yes. एक आदमी जो नेक्स्ट अप में बिजनेस कर रहा है मिनिमम 1 महीने में कितना खर्चा करता है, बोलिए? 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम लगेगा। जो कैसा है, अगर वो रोज काम कर रहा है तो भाई 15,000 खर्चा होगा, तो कभी कभी काम कर रहा है तो 5,000 लगेगा, कभी तो काम कर रहा है तो कुछ भी नहीं लगेगा। अभी आपका कितना खर्चा हो रहा है इसके हिसाब से आप खुद सोच सकते हो कि आप कितना काम कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप रोज काम
घर से निकलते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, जब बस में बैठते हो, सीट पे जाते हो, चाय पानी करते हो, खाना लगता है, इधर उधर जाना है, लोगों के साथ में कन्विंस करना है, एक बैग लगती है, प्रोडक्ट मैनुअल लगता है, प्रोडक्ट कैटलॉग लगता है, मोबाइल लगता है, कभी कभी लैपटॉप लगता है, कभी कभी हॉल लगता है, चाय कॉफी वगैरह लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं है कि सीने के राज के भाई तू आ जा, एक हॉल बुक कर दे, फिर मैं पांच लोग उठा के वहां बैठा देता हूं, तू ही चाय पिला देना, शांत हो गए सब लोग। ऐसे नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो भी बिजनेस तो हो रहा है, पर बिजनेस किसका हो रहा है? सीनियर का, जो खर्चा कर रहा है, क्योंकि पैसा भी उसी को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि कई सारे लोग भी कंफ्यूज होते हैं, मुझे तो पैसा नहीं मिल रहा है, सीनियर को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो खर्चा कर रहा है इसलिए मिल रहा है। जितना दोगे उतना तो निकलेगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन दो चीजों के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। आपका हर महीना कितना खर्चा हो रहा है, इसके हिसाब से आने वाले समय में कितना पैसा मिलने वाला है, इसका कैलकुलेशन लगाया जा सकता है। इनिशियल लेवल पे शायद 10,000-15,000 खर्चा होगा, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना खर्चा होगा, इनकम शायद 500, 1,000, 2,000, 2,500 आएगा। आप बोलोगे मैं लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहा हूं, सही जा रहे हो, लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हो इनिशियल लेवल में। दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, पहले साल माइनस 10 होता है, जेब से पैसे डालना पड़ता है, ये गुजरातियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? अच्छे से मैं उनके खून में है ये बिजनेस। तो इस चीज को समझो, इनिशियल लेवल में थोड़ा खर्चा होगा, धीरे धीरे खर्चा सेम रहेगा, इनकम बढ़ता जाएगा। इनकम कब बढ़ेगा? जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करेंगे, जितने लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो एक चीज को समझो, ये की फैक्टर है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। आपका हर महीने थोड़ा 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 खर्चा होना चाहिए। सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बिजनेस करने आप आए हो, आपने डिसाइड किया है कि मैं यहां सक्सेसफुल होने के लिए आया हूं, ये आपने किया है, तो आपको ही ये सब चीज करने की शुरुआत करनी होगी। आप और आपका अचीवमेंट, जैसे मैं बोलता हूं, मैं और मेरा अचीवमेंट के बीच में नहीं, क्या दुनिया की कोई ताकत आ नहीं सकती। yes, मेरे और मेरे अचीवमेंट के बीच में गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है, और ये नाते को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। अपने अचीवमेंट को देखो, उसको समझो, उसको महसूस करो, उसको फील करो। जब मैं बात करता हूं ना, तब अपने आप को इमेजिन कराता हूं कि मैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बात कर रहा हूं, और बात करता हूं ना तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आप और आपके अचीवमेंट के बीच में भी इतना गहरा नाता होना चाहिए, फील करना चाहिए कि मैं यहां अचीवर बनने के लिए आया हूं। कि जब आप काम करोगे ना, तो आपके आसपास के लोग, जिनको मैं बुरी आत्माएं बोलता हूं, वो परेशान करेंगे, उनके पेट में बहुत बड़ा दर्द होगा कि ये कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो बोलना शुरू करेंगे, तू अभी फंसने वाला है, तू गलत जगह जा रहा है। ये वो कौन लोग हैं? कभी कभी हमारे घर में भी होते हैं ये लोग, ये आत्माएं हमारे दोस्तों में होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, हमारे आस पड़ोस में होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आज तक खुद कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर आपको किसी की सुनना है तो उसकी सुनो, और अपने अचीवमेंट के बीच में गहरा नाता बनाओ, एक ऐसा रिश्ता बनाओ आप और आप
आपके अचूक बीच में दुनिया की कोई ताकत आनी चाहिए। सोचो इस महीने में मैंने नेटसॉफ का एनर्जी का क्लब नेटसॉफ करना ही है। अगर एनर्जी का क्लब नेटसॉफ करना है 3 लाख का टर्न ओवर डालना है। अगर मैंने सोच लिया मैं करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो करना है डिसाइड कर लिया अपने आप रास्ते दिखेंगे अपने आप। लेकिन ये अचीवमेंट और आप ये दोनों के बीच में एक नाता बनाओ रिश्ता बनाओ। क्योंकि अगर इसमें गैप रखोगे तो बहुत सारे लोग इसके अंदर आएंगे। इस चीज को समझो आप और आपके अचीवमेंट। और अगर आपने आपका अचीवमेंट देख लिया परख लिया समझ लिया इसको अच्छे से महसूस कर लिया उसी अचीवमेंट के बारे में सोचो। क्योंकि उसी को हम लोग बोलते हैं टू गेट व्हाट यू वांट। आप उस अचीवमेंट तक पहुंचो शायद इस महीने का क्लब देखकर आने वाले 6 महीने मतलब आने वाले 3 महीने के बाद जब जनवरी में फास्ट ट्रैक आएगा तो उस फास्ट ट्रैक में एग्जीबिशन में नहीं C1 C2 के अंदर एंट्री मार्च एंड तक आपका क्लब अचीवमेंट अगले साल में पर मंथ मिनिमम 1 लाख रुपए इनकम उसके अगले साल में नेटवर्क के हाइएस्ट लेवल पे जाने की इच्छा आप और आपका अचीवमेंट। क्योंकि नेक्स्ट साल यहां पर काम की शुरुआत करेगा जिस दिन आप अपने अचीवमेंट को महसूस करोगे फील करोगे कि मैं और मेरा अचीवमेंट। और उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए टू गेट व्हाट यू वांट नेटवर्क यूट्यूब ट्रेनिंग नेक्स्ट साल ट्रेनिंग देगा आपको और आपकी टीम को वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम लोग यहां बैठे हैं आपके साथ आप लोग फील्ड पे जाते हो। कभी ये मत समझना आप अकेले हो क्योंकि आप जब फील्ड पे जाते हो ना तो नेटवर्क का इंजीनियर का टीम ऑफिस में बैठा रहता है आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। नेटवर्क का R&D टीम 24 घंटा वहां पर रात दिन काम करता है अलग अलग केमिकल्स अलग अलग ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर ताकि वो आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए आपके सपने के लिए आपके अचीवमेंट के लिए नए नए प्रोडक्ट बना सके। आप जब फील्ड पे जाते हो नेक्सस का वर्कर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ न कुछ मैन्युफैक्चर करता रहता है ताकि आप आपके अचीवमेंट तक पहुंच सको। क्योंकि नेक्सस के जितने प्रोडक्ट है वो बेचने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को है बाकी किसी को नहीं है। तो कभी ये मत समझना आप अकेले हो आपके साथ में नेक्सस की पूरी टीम है जो 24 घंटा आपके लिए ही काम करती है। तो नेक्सस गिव्स यू ट्रेनिंग टू गेट व्हाट यू वांट। अलग अलग तरीके का सक्षम स्पीकर हम लोग दे रहे हैं आज क्यों ताकि आप लोग नेक्सस के बिजनेस को समझो उस 1-to-1 कॉल को समझो आने वाले समय में पूरे सिस्टम को समझो आपके हर डाउनलाइन को आपको नेक्सस ट्रेन करता है टू गेट व्हाट यू वांट। नेक्सस गिव्स यू मोटिवेशन। अब जनरेशन इनकम दिया है व्हाई टू मोटिवेट यू आने वाले समय में जो एनर्जी का बेचने कंपनी क्यों क्या जरूरत है बेचने की 1.5-1.5 लाख रुपए डॉलर के ऊपर और फिर भेज नहीं रही है वहां पे उस इनर्जी का के बाजू में 75 होटल है होटल वहां पे रुकाने वाली है और फिर इनर्जी का नहीं भेज रही है वहां पर 3 अलग अलग चीजें हैं स्नो पार्क भी है वाटर पार्क भी है एम्यूजमेंट पार्क भी तीनों जगह भेज रही है क्या जरूरत है। कोई एक चीज तो भी पूरा हो जाता आसपास किसी लॉज में रोक लेते तो भी आप लोग बना नहीं करते। क्योंकि हम लोग कुल क्या कर रहे हैं आपको बोल क्या रहे हैं इनर्जी का जाना है बट ये नहीं बोला कि वहां पर 500 होटल में रुकोगे वहां 2 अलग अलग 3 अलग अलग थीम पार्क में जाओगे। नेटवर्क मोटिवेट्स यू टू गेट व्हाट यू वांट। आपको हमेशा पुश करते हैं वो आप आपके अचीवमेंट तक पहुंचो क्योंकि आप और आपके अचीवमेंट में दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क मोटिवेट्स यू टू गेट व्हाट यू वांट। नेटवर्क गिव्स यूनिटी इन द टीम। क्योंकि आप जितना इनकम लेते हो ना आपकी टीम में भी उतना इनकम जाता है। अगर आपके पास ऐसा होता है कि नेटवर्क ने आपसे टर्नओवर किया और आपको अकेले को पैसा मिला ऐसा होता है जितना पैसा आपको मिलता है आपकी टीम को भी उतना ही पैसा मिलता है तो उस चीज को समझो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग
ये अकेले बिजनेस करने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपकी टीम को तैयार करना पड़ता है और आपकी टीम को यूनाइट करने के लिए नेटवर्क अलग अलग एक्टिविटी करता है, अलग अलग प्लान बनाता है, अलग अलग डिजाइनिंग करता है ताकि आप और आपकी टीम मिलकर आपके टारगेट तक पहुंच सको। नेटवर्क यूनाइट्स योर टीम टू गेट व्हाट यू वांट। नेटवर्क गिव्स यू गाइडेंस। कई बार हम लोग काम करते हैं भटक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। दुनिया में कोई भी बिजनेस करो अगर आप भटक गए तो कौन सलाह देता है? कोई नहीं देता, जो कुछ है सबको करना पड़ता है। बट नेक्स्ट आपके साथ में 24 घंटा खड़ा है, ये गाइड करेगा आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट गाइड्स यू टू गेट व्हाट यू वांट। आपका जो टारगेट है ना, जो अचीवमेंट के बारे में आपने सोचा है, वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं ताकि आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। नेक्स्ट यू टू गाइडेंस टू गेट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टैलेंट यू हैव। जितने लोग बैठे हैं ना, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, हर एक व्यक्ति के अंदर। किसी का पीआर अच्छा होता है, मतलब कई सारे लोग पहचान के होते हैं, मतलब पब्लिक रिलेशन में वो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, कोई कोई अच्छी बात करता है, कोई अच्छा मोटिवेट करता है, कोई अच्छा ट्रेनिंग लेता है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है। और जब आप नेटवर्क के अलग अलग अचीवमेंट लैडर की तरफ जाते हो, अलग अलग अचीवमेंट की सीढ़ियां पार करते हो, तो उस अचीवमेंट लैब में कंपनी आपके टैलेंट को निखारने का काम करता है। और मैं तो गारंटी देता हूं नेटवर्क के सभी अचीवर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, आप नेटवर्क के बैक टू बैक 3 या 4 सेशन फास्ट ट्रैक के अटेंड करो। आपकी चार, आपके बात करने का तरीका, आपके खाना खाने का तरीका, आपके रहन सहन का तरीका एंटायर बदल जाएगा। इतना अलग ट्रेनिंग कंपनी आपको देती है। आइडेंटिफाई योर टैलेंट टू गेट व्हाट यू वांट। क्योंकि यहां पर आपकी पैसे से नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कंपनी काम करता है। अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को आपके लिए हायर करता है ताकि आप लोग आने वाले समय में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको। तो नेक्स्ट सर्व आइडेंटिफाइज योर टैलेंट टू गेट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट सर्व यू द फ्रीडम ऑफ वर्क। 100% फ्रीडम है यहां पे काम करने का, फ्रीडम ऑफ वर्क इन केस ऑफ टेरिटरी, पूरा भारत पड़ा है। आपको जहां कॉन्टेक्ट है वहां जाके काम करो। आपको लगता है गुजरात, गुजरात में करो। आपको लगता है मध्य प्रदेश में जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, मिजोरम जाना है, सिक्किम जाना है, पूरा भारत आपके लिए ओपन है। और आने वाले समय में हम लोग ये भी बोलेंगे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जाके काम करो। नेक्स्ट ऑफ यू टू नेक्स्ट ऑफ यू प्रोडक्ट। हेल्थ केयर में काम करना है करो, पर्सनल केयर में करो, होम केयर में करो, एग्रीकल्चर में करो, कैटल केयर में करो। और धीरे 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 ये प्रोडक्ट रेंज नेक्स्ट अप बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट अप गिव्स यू 100% फ्रीडम इन केस ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट अप गिव्स यू 100% फ्रीडम इन केस ऑफ टाइम। जब वक्त मिलता है तब काम करो। कि नेक्स्ट अप कभी नहीं बोलता सुबह उठना पड़ेगा, मोबाइल पर जाके इन करना पड़ेगा, फील्ड पर जाना पड़ेगा, रात को आना होगा, हर दिन इतना काम करना ही होगा, कोई पे ऑफ मिलेगा, ऐसा मैंने बोला हमने? वी गिव यू 100% फ्रीडम। पर इस फ्रीडम का सदुपयोग करो, इस फ्रीडम को समझो और अपने आप को डिसिप्लिन करो। क्योंकि अगर सिर्फ फ्रीडम से काम करोगे तो डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर दिन काम होना ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट अप गिव यू फ्रीडम ऑफ वर्क टू गेट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट अप गिव यू कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस है। देखो नेक्स्ट अप की वहां पे आरएनडी टीम बैठी हुई है जो रात दिन काम करती है। आप किसी भी व्यक्ति को नेशनल अवार्ड देते हो, उसके रिजल्ट की गारंटी किसकी है? कंपनी की है, कंपनी बैठा है उसके लिए। कुछ भी होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम बैठे हैं वहां पर,
एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्लस देते हो, टिमरिस देते हो, 95 देते हो, रैपअप देते हो, एनपीके देते हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल। बट जो बोला है उसी चीज को प्रमोट करो, ऐसी चीज मत बोलो जो हमने नहीं बोली है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, आप नहीं हो, हम बैठे यहाँ पर रिजल्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप ने इतनी बड़ी टीम बैठाई हुई है ताकि वो रात दिन आपके लिए नए नए प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट के एनहांसमेंट के ऊपर काम करता है, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट ऑफ यू जो 100% कॉन्फिडेंस, देखो शुरुआती दौर में जब लोग आते हैं, जैसे आप लोग भी शायद अभी पे आउट कैलकुलेट करते होंगे, करते ही नहीं करते, अरे करते ही नहीं करते, करते हैं ना, कब तक करोगे नटो भाई, आप करते हो, आरी भाई आप करते हो, नहीं करते, क्यों नहीं करते, कॉन्फिडेंस क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नेक्स्ट का जो सिस्टम है ना इतना रोबोट सिस्टम है, जिसे कौन सर ने भी बोला है, अभी तक नेक्स्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुका है, 500 करोड़ ज्यादा के ऊपर पेआउट दे चुका है, 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को पेआउट मिला है, बट एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसको 1 रुपया कम 1 रुपया ज्यादा का पेआउट आया। एक्यूरेट पेआउट आता है। जब आप फील्ड में काम करते हो कभी ये मत सोचना कि पता नहीं साइकिल का पेआउट आएगा नहीं आएगा, भाई बराबर साइकिल क्लोज होगी, 5वें दिन कंपनी अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे, गारंटी है कि नहीं है, डर लगा रहता है क्या, क्योंकि उस दिन वो डर लगेगा ना, उस दिन काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ऑफ यू कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्कर के लिए, कि भाई मैं जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा हूं उसको रिजल्ट आ जाए, उस व्यक्ति तक प्रोडक्ट पहुंच जाए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, और मैं इसको बेच रहा हूं इसमें मुझे पैसा आ जाए, ये दो चीज मिल जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहो। Next up gives you confidence to get what you want. Next up gives you support. अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग ऑफर्स, अलग अलग चीजों के माध्यम से नेक्स्ट आपको सपोर्ट करता है, सपोर्ट को समझो। ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, देखो इससे पहले सक्षम हॉस्पिटल नहीं था क्या, कितने लोगों के सक्षम हॉस्पिटल हो गए आपको मालूम है पूरे नेक्स्ट ऑफ में पिछले 4 महीने में, 5 महीनों में पूरे 9000 लोगों ने सक्षम अस्मिता अचीव किया है। 9000 इस महीने का जो मेरे पास टारगेट आया है टर्नओवर का, नेक्स्ट अप का अभी तक का सबसे बड़ा टर्नओवर टारगेट आया है इस महीने में। आपके सीनियर लोगों ने, आपके मेंटर्स ने, आपके एमसीएम ने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट अप सेकेंड साइकिल में 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लेकर आएगा। लेकर आएगा मतलब इसी महीने में कम से कम 6 से 7 हजार नए सक्षम अस्मिता होंगे। अब इन सब लोगों को कंपनी ट्रेन करता है फाइव-स्टार होटल में। ये क्या है, ये सपोर्ट है एक तरीके का, ताकि आप आपके अचीवमेंट तक पहुंच सको। अलग अलग क्लब में से ऑर्गेनाइज करता है, ये सपोर्ट है। कंपनी अलग अलग ऑफर डालता है, ये सपोर्ट है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ये सपोर्ट है। नेक्स्ट ऑफ यू जस्ट सपोर्ट टू गेट व्हाट यू वांट, क्योंकि आपको आपके टारगेट तक पहुंचना है। नेक्स्ट ऑफ यू लाइफ स्टाइल, नेक्स्ट ऑफ का हर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक 5-स्टार होटल में ही होता है। अभी पिछले महीने लगभग 480 लोगों से ज्यादा लोग हांगकांग जाकर है, यहां से भी कुछ लोग गए होंगे। कहां रुकाया था कंपनी ने, 7-स्टार जहां पर 4400 कमरे हैं ऐसे होटल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ऑफ ड्यू टू लाइफ स्टाइल, अलग लाइफ स्टाइल देने का मौका लेता है। नेक्स्ट ऑफ का हर इवेंट 5-स्टार में होता है। नेक्स्ट ऑफ का हर अचीवमेंट का लाभ अलग अलग जगह पर होता है। अभी इमेज का भी भेज रहा है तो वहां के 9 होटल में रोक रहा है, क्यों, ताकि आप आपकी पर्सनैलिटी के साथ में तैयार हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ में आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, नेक्स्ट ऑफ आपकी एंटायर लाइफस्टाइल को चेंज करता है, आपने सोचने समझने की
पूरी ताकत को चेंज करता है। इस चीज को समझो, नेक्स्ट स्टेप यू रियलाइज दैट यू डिड व्हाट यू वांट, नेक्स्ट स्टेप है फेथ इन योर एबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप को 100% कॉन्फिडेंस है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के एबिलिटी के ऊपर। इसने आज तक इतना बड़ा सिस्टम लगाया है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की है, 3 जगह प्लांट लगाकर बैठा है, आने वाले समय में नए नए प्रोडक्ट पर आरएनडी कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्टअप को 100% कॉन्फिडेंट है आपकी एबिलिटी के ऊपर। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मैंने करना है, तो ये जनता कुछ भी कर सकती है, इंडिविजुअल आदमी कुछ भी कर सकता है। नेक्स्टअप का 100% फेथ इन योर एबिलिटी and secure yourself with next of family protection program. Family protection plan dene ka ye duniya dene wala hai, duniya ka akela company hai. Duniya mein aisi koi company nahi hai jo apne distributor ki family ke bare mein sochta hai. Log to distributor ke bare mein nahi sochte, hum to aapki family tak jaate hain. Yes. करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सर्व के फैमिली प्रोडक्शन प्लान में आने के लिए 2 लाख रुपए का इनकम क्रॉस करना है। ये लेने के लिए आपको वहां तक जाना होगा। मेनी ऑफ नेक्स्ट सर्व टॉप बिजनेस ओनर अर्न लाख ऑफ रुपीज एनुअल इनकम। कई सारे लोग लाखों कमाते हैं, कमाते कि नहीं कमाते? Yes. क्या उनको प्रोडक्ट अलग है? Nice. क्या प्लान अलग है? क्या सिस्टम अलग है? क्या कंपनी को छुपाते नहीं थी कि भाई आपको ऐसे अलग हो, आपको उनको 3% मिलता है, आपको 10% अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपको स्टीम रीच दिया, उनको बोलता है प्रोडक्ट दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। प्रोडक्ट भी सेम, कंपनी भी सेम, प्लान भी सेम, सब कुछ सेम, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लाखों मिलते हैं और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है? क्यों होता है? क्योंकि विथ हार्डवर्क एनर्जी डेडिकेशन यू कैन अर्न ह्यूज रिवार्ड। अगर आपने पूरी हार्डवर्क करने की तैयारी है, अगर आप पूरी एनर्जी लगाते हो, तो जाके आपको यहां पर लाखों मिल सकता है। योर हार्डवर्क, योर एनर्जी एंड डेडिकेशन, पूरे दिल से अपने आप को झोंक के काम करो, वी विल गारंटी यू आने वाले महीनों में, सालों में आपको लाखों मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन पूरी तरीके से झोंकना होगा। अब ये सब कुछ नेक्सस ने दिया, हर चीज यहां पर हमने आपके लिए तैयार की है। पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, कंपनी रेडी है, प्लान रेडी है, सिस्टम रेडी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, सब कुछ मोबाइल के ऊपर है। आने वाले जनरेशन के हिसाब से प्लान बना के रखा है, सिस्टम बना के रखे है। अभी काम करने की बारी किसकी है? हमारी। आवाज बहुत कम आ रहा है। काम करने की बारी हमारी है, तो परफॉर्म एट योर पीक। अपने आप को पूरा एक साथ जमा करो और परफॉर्म करो एट योर पीक। जितनी ताकत है ना आपके अंदर, उसको एक साथ जमा करो और एक ऐसा अचीवमेंट करो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। हमारे पास ये पूरा महीना है, ये पूरा महीना, इस पूरे महीने में, मतलब आज तारीख कितना है? 8। क्लोजिंग कब हो रहा है अपना? 4 अक्टूबर तक टाइम है। मतलब आज से लगभग 24 दिन, इन 24 दिनों में हम लोगों को वो ऐसा अचीवमेंट करना है, इतना परफॉर्मेंस करना है, अपने आप को पूरा झोंकना इस बिजनेस के बारे में, और नेक्स्ट स्टेप की पहली सीढ़ी सक्सेस की क्रॉस करनी है इस महीने के एंड में। मतलब सितंबर सेकंड साइकिल में यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति ये कप नेक्स्ट स्टेप अचीवर होना चाहिए। अचीव करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप के सक्सेस की सीढ़ी को पार करते हो,
आज एनी क्रॉस क्लब नेटवर्क होना चाहिए, डेढ़ डेढ़ लाख का टर्नओवर है लेग वन लेग टू में मिलाकर, डेढ़ लाख का टर्नओवर लेग वन से, डेढ़ लाख टर्नओवर लेग टू से। इस महीने में आज एनी क्रॉस क्लब नेटवर्क करो, क्योंकि क्लब नेटवर्क जब आप क्रॉस करते हो इस महीने में, मतलब आपके पास एक बेसिक टीम आती है। उस बेसिक टीम को हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में सक्षम अस्मिता के माध्यम से तैयार करेंगे। जब ये तैयार करेंगे तो उसके बाद जनवरी में आपकी सेकंड एंट्री होगी, सेकंड स्टेप होगा टूवर्ड्स योर सक्सेस। क्योंकि जैसे आप 4 तारीख को अचीव करते हो, 23-24 को इनर जगह जाते हो, वहां जाके एंजॉय करके आते हो, उसके बाद टीम को बिल्ड करना है, तैयार करना है, सक्षम अस्मिता का फौज बनाना है और इसी फौज को आगे बढ़ाना है। कि जब ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, 2 लोग 5 लोग 10 लोग 15 सक्षम अस्मिता आपके लेग वन लेग टू में हो जाएंगे, उस समय हम लोग जनवरी में एंट्री करेंगे नेक्स्ट सर्व के करियर स्टेप के ऊपर। उसके लिए आपको अपने आप को अभी से तैयार करना है, क्योंकि इस बार जनवरी महीने के फास्ट ट्रैक में कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, कुछ तो धमाका है। लेकिन उसके लिए आपको आज तैयारी करनी होगी, तो अपने आप को तैयार करो टू एंटर इन फास्ट ट्रैक। उसकी पहली शुरुआत होगी इसी महीने में क्लब नेटवर्क करने की, और इसी महीने का क्लब नेटवर्क और फास्ट ट्रैक अचीव करने के बाद नेटवर्क नेटवर्क आपको लेके जाएगा एक ऐसे लेवल पे, जब आप धीरे धीरे फास्ट ट्रैक का एक 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 लेवल क्रॉस करोगे, अपने आप को इमेजिन करो कि मैंने 2 साल हो गया नेटवर्क में काम कर रहा हूं, 2021 आ गया, 2021 तक क्या होगा, किस तरीके से आपका टीम बनेगा। जो टीम बनेगा ना, उस टीम को लेकर नेटवर्क अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत करेगा, क्योंकि नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की तरफ एंटर करने वाला है। और नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रैपिड ग्रोथ है, और जब रैपिड ग्रोथ आएगा उस समय लिफ्ट द वे यू वांट। आज की तारीख में हम लोग जैसे चाहते वैसे जीते हैं क्या? कि आने वाले 2 साल में जब नेक्स्ट की फास्ट ट्रैक में आ जाओगे, कम से कम 3 से 4 अलग अलग देशों में घूमोगे, कम से कम 10 से 12 अलग अलग 5-star होटल में जाकर ट्रेनिंग लोगे, कम से कम 4 या 5 अलग अलग मैनेजमेंट लेसन्स लोगे जो किसी MBA कॉलेज स्टूडेंट को मिलता है, ऐसे अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल के बाद अपने आप को इमेजिन करो कि आप कहां पहुंच गए, जहां हर महीना 2-4 लाख रुपए आ रहा है एज ए इनकम, जहां पर हर दूसरे महीने आप 5-star पर जाते हो, जहां पर आप 6 महीने के बाद आप उसी इंटरनेशनल लोकेशन पे जाते हो। लिव द वे यू वांट, जी सकते कि नहीं जी सकते हैं, yes. अपने तरीके से लिव द वे यू वांट एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आज हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है, है क्या? नहीं। हमारी लाइफ अभी पैसे के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में अपनी लाइफ को लाने के लिए आने वाले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 सालों में जितना आपने 20 सालों में मेहनत नहीं की ना, वो 20 सालों की मेहनत आने वाले 2 सालों में करो। अगर ये 2 साल मेहनत कर ली तो आने वाला पूरा समय ये हमारा होगा, और उसके लिए आज से तैयारी करनी होगी, आज से शुरुआत करनी होगी। ये सोच चुकी मेरा पहला दिन है नेटवर्क नेटवर्क का, और आज से ही काम की शुरुआत कर रहा हूं, और मेरा पहला टारगेट है क्लब नेटवर्क अचीव करना, दूसरा टारगेट है जनवरी के फास्ट ट्रैक में जाना, और उसी माध्यम से मैं 2 साल की जर्नी पूरी करूंगा, और ये करने के बाद ये पूरी लाइफ मेरे हाथ में होगी। बट यहां तक जाने के लिए एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। आपके हर चीज को देखने का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किस दृष्टिकोण से हर चीज को देखते हो? जो कई बार जैसे मैंने पानी पिया, मैं अलग अलग स्टेशन पहले जाता था, देखता था, अटेंड करता था, तो लोग दिखाते थे
पानी की बोतल भरी दिख रही, खाली दिख रही, क्या दिख रही? भरी मतलब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले। मुझे आज तक समझ नहीं है ऐसे कैसे दिखता है, आपको मन में आया कभी? बोतल से किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण पॉजिटिव नेगेटिव है समझ में नहीं आता है। मैं कई सारे अलग अलग सेशन अटेंड करने के बाद समझ में आया, अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे दृष्टिकोण बदल गया भरी बोतल या खाली बोतल देखकर। बट मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं हर दिन मोटिवेटेड होता हूं, हर दिन एकदम चार्ज होता हूं, चाहे नींद हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भी जाता हूं पूरा दिल से बात करता हूं, जहां पे भी जाता हूं अपने आप को जोक से बात करता हूं, क्यों कैसे किस तरीके से कहां से आती एनर्जी, ये आपके दृष्टिकोण से। अभी दृष्टिकोण को कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आपने आपके दृष्टिकोण के ऊपर कंट्रोल किया ना तो हर चीज आसान लगती है, हर चीज अपनी लगती है। सिंपल चीज बताता हूं आपको, एक फंडा अपने दृष्टिकोण को सही रखने का। मैं हर दिन जब उठता हूं ना, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है। मैं अहमदाबाद में आया, आज का मौसम बड़ा अच्छा था, लगा ना मुझे लगा वाह क्या मौसम है, ये मेरे लिए बनाया मौसम। इतने सारे लोग आ गए, कहां से आए? मेरे लिए आए भाई, समझ में आ रहा है? आप भी जब फील्ड पे जाओ ना, हर चीज को देखो, हर चीज को महसूस करो। आप यहां पर आए हो किस लिए आए हो? आप यहां पर आए हो क्योंकि आप आपके टारगेट को पहुंचने के लिए आपके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। हर चीज को देखो, नेक्स्ट स्टेप, हर चीज आज का प्रोग्राम इसलिए ताकि आप आपके टारगेट तक पहुंच सको। नेक्स्ट स्टेप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा आने वाले समय में, किस लिए? आपके टारगेट। नेक्स्ट स्टेप नया स्टॉक फंड ओपन करेगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप कल जाके अलग अलग सीनियर को आपका प्रोग्राम, मोटिवेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सक्षम प्रोग्राम, अस्मिता एमएन का फास्ट ट्रैक क्यों कर रहा है? आपके टारगेट के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। यहां पर प्रदीप केतिया आए हैं, केतन मानू आए, किस लिए आए हैं? आपके टारगेट के लिए आए कि नहीं आए हैं? ये आपने सोचना चाहिए। बट मैं उल्टा सोचता हूं, मैं आया हूं किस लिए? मैं आपके लिए नहीं आया, मैं आया हूं क्योंकि कभी कभी एक सपना देखा था कि नेटवर्क नेटवर्क भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनेगी, और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं रात दिन काम करता हूं। आज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जहां 850 लोग मेरे लिए आने वाले हैं जो मेरे सपने तक पहुंच जाए। इसीलिए अपने आप को झोंक के काम करता हूं, मैं आपके लिए नहीं आया हूं, आप मेरे सपने के लिए आए। समझ में आ रहा है? ये होता है दृष्टिकोण। आपका सीनियर आपके लिए प्रोग्राम करता है, ये मत सोचना वो उसके अचीवमेंट के लिए कर रहा है। जब आप ये सोचोगे उसके अचीवमेंट के लिए कर रहा है, दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। लेकिन जब सोचोगे आया भी अच्छा हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो सोचो ये मेरे लिए आया। कंपनी नया स्टॉक पॉइंट, नया सेमिनार, हर चीज जो भी कर रहा है ना, सोचो मेरे सपने के लिए कर रहा है। हर चीज बदल जाएगी। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आपके देखने का दृष्टिकोण ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जाते आप एक सक्सेस मंत्रा बोलना चाहता हूं। नेटवर्क में जितने भी सक्सेसफुल लोग होके गए ना, या लोग हुए हैं आज तक, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा इनमें क्या है कि भाई ये सक्सेसफुल हो गए ये लोग नहीं। ताकि अगर इस चीज को मैं समझ सकूं तो मैं वो चीज उनके अंदर डाल सकूं। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। पहले सोचता था कि शायद लोग पढ़े लिखे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट समझ में आया कि भाई टॉप 100 में से
टॉप 100 अंदर अगर मैं निकालता हूं तो टॉप 100 अंदर में से 10 या 12 लोग ऐसे जो अंगूठा बहादुर है, आठवीं फेल है, मतलब पढ़ना लिखना कुछ जरूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर में सक्सेसफुल होने के लिए। फिर सोचा कुछ अच्छा बात, अच्छा स्पीकर जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में अच्छा सक्सेसफुल बंदा होगा, तो समझ में आया कि 50 लोगों को तो स्टेज पे खड़े होकर बात करना नहीं आता, समझ में आ रहा है। तो कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर जो उस व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाते हैं, तो उसी चीज को कॉमन फैक्टर को मैं बोलता हूं सक्सेस मंत्र। ये वो चीजें हैं कि अगर ये चीजें आपने अपने अंदर उतार ली तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क नेटवर्क। सबसे पहली चीज, थिंक एज अ लीडर, डोंट थिंक यू आर अ डाउनलाइन ऑफ समवन, थिंक एज अ लीडर, थिंक एज अ एंटरप्रेन्योर। कभी ये मत सोचना कि मैं इसका डाउनलाइन हूं, क्योंकि आपके आपके अपलाइन को कितना आता है उससे आपको फर्क पड़ता है क्या? आपके अपलाइन में कौन है उससे आपको फर्क पड़ता है क्या? आपका अपलाइन शायद मधुबाई हो, बैंकर हो, राजेश वगासिया हो, या देशपांडे हो, सुग्रे हो, थोराज हो, दहीतुले हो, कोई भी हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन आपके डाउनलाइन में कौन है इससे कितना फर्क पड़ता है? एक सोचो आप कि आपके डाउनलाइन में अगर दहीतुले टाइप का बंदा आ जाए तो क्या होगा? दहीतुले ऊपर भी फर्क पड़ा, बट यही जो डाउनलाइन में आ गया तो एक लेग तो टेंशन खत्म। ऊपर से कोई एक थोड़ा या सुग्रे डाउनलाइन में आ जाए क्या होगा? सेकंड लेग में आ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अपलाइन या डाउनलाइन? फिर हमारे दिमाग में अपलाइन क्यों आता है? अरे आपके अपलाइन में कौन है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके डाउनलाइन में कौन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके डाउनलाइन के अंदर के दहीतुले को ढूंढो, अपने डाउनलाइन में सुग्रे लेकर आओ, देशपांडे लेकर आओ, नटुभाई लेकर आओ, मेंटर लेकर आओ, लाओगे ना? थिंक एज अ अपलाइन, डोंट थिंक यू आर अ डाउनलाइन ऑफ समवन, थिंक एज अ लीडर। आपके थॉट प्रोसेस में लीडरशिप चाहिए। 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में 100% कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हो जो दुनिया के रिनाउंड कॉन्सेप्ट है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में 142 देशों में चलती है, कई सारे करोड़ रुपए का टर्न और कई सारे लाखों मिलियंस लोग इस कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग एंड 100% लॉयल टू द कंपनी। नेटवर्क के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। देखो एज अ कंपनी वी आर 100% लॉयल टूवर्ड्स नेटवर्क, जो बोलते हैं वो 100% करते हैं। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स द कंपनी, पूरी ईमानदारी के साथ काम करो एंड हैव अ प्लान फॉर फ्यूचर। आज क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तो देखोगे तो आज शायद हमारे पास कुछ नहीं है, बट आने वाला समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस बढ़ाना है तो कम से कम 3 साल का प्लान करना होगा। आज शायद इनकम नहीं है, आज सिर्फ एक्सपेंस है, बट आने वाले समय में एक्सपेंस उतना ही है बट इनकम बढ़ने वाला है। प्लान फॉर फ्यूचर, आज क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कल क्या मिलने वाला है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, सक्सेस आसानी से नहीं मिलता, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके तैयारी करो। नेक्स्ट नेटवर्क एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिजनेस है, अगर आज आने वाले 2 साल में आपने मेहनत की ना तो आने वाले 20 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल काम कर लिया ना, 50 सालों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले 2 साल में इतनी मेहनत करो,
जो पिछले 20 साल में कभी कर नहीं सके। 20 सालों की मेहनत 2 साल में करनी है। हार्ड वर्क फॉर सक्सेस एंड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी टीम के ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई सक्सेस हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, फेलियर हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। वर्क लेट तो भी है, महीने के एंड में काफी सारे लोग मिलेंगे, सर वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तब स्टॉक पॉइंट इसलिए अचीव नहीं हो पाया। सर मेरे एरिया में बारिश एकदम से आ गया, पता ही नहीं चला कैसे आया। मेरी टीम में हर घर में गणपति बैठते हैं, समझ में आ रहा है? नवरात्रि अगले महीने आने वाली है, किसी ने बोला नहीं क्योंकि वो अगले महीने का बहाना है हमारा, ये महीने का नहीं है। अभी दिवाली है उसके बाद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर सक्सेस है तो मैं रिस्पॉन्सिबल, फेलियर हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस फॉर माई फेल्यूअर। जिम्मेदारी के साथ काम करो एंड गिव अप नहीं करना। हो सकता है इस महीने में काफी सारे लोग सक्सेसफुल होंगे क्लब नेट प्लस में, बट क्लब नेट प्लस ही आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। हम लोग क्लब नेट प्लस जाने के लिए इतना आए क्या? नहीं, हमारा टारगेट, हमारा विजन, हमारा फ्यूचर कुछ और है। गिव अप नहीं करना है। आने वाले समय में और भी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको समझो, बट इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। 100% अपने आप को झोंकना है ताकि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर नेटसर्फ नेटवर्क में सक्सेसफुल करियर की शुरुआत कर सको। क्योंकि अगर ये हम लोगों ने शुरुआत की, यू कैन स्टार्ट योर पोटेंशियल। अल्टीमेटली द डे इज वेरी नियर दैट। यू आर द स्टोरी, यू आर द टॉक एंड यू आर द मूवी। क्योंकि आज कई सारे लोग बोलते हैं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने कल गाड़ी ली है, बोलते ना लोग। आप में से कई सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग लोगों के आते होंगे, आते कि नहीं आते? ये हमारे जैसे ही लोग हैं। देखो आज से 2-3 साल पहले किसने बिजनेस शुरू किया था कोलकाता में, आज नेटवर्क के टॉप लेवल पे पहुंच गया है, क्या अचीवर बना है। नाम लेते हैं सब लोग उसका? लेते हैं ना, नाम क्यों? क्योंकि उसने कभी तो भी शुरुआत की, एक मेहनत की है, एक स्टार्ट मारा है, और उस स्टार्ट को देखकर लोग यू आर द स्टोरी, यू आर द मूवी, यू आर द टॉक। क्योंकि अगर ये 2-3 साल हमने रगड़ के मेहनत की तो 2-3 सालों के बाद लोग आपका एग्जाम्पल लेंगे कि आप वो बंदे हैं जो आपके गांव की पहली BMW लेगा। आपके बारे में बोलेंगे कि यार एक ऐसा बंदा है हर 6 महीने में फॉरेन टूर करके आता है। यू आर द टॉक, यू आर द मूवी। लोग आपके बारे में बात करेंगे, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क नेटवर्क। अगर वो मौका कोई आपको देगा तो वो देगा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क नेटवर्क। के साथ आने वाले समय में हम एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, एक सक्सेसफुल करियर बनाएंगे। यू विल बी टू स्टार्ट योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में नेटवर्क नेटवर्क रैपिड ग्रोथ से आगे जाने वाला है, इसलिए फास्ट ट्रैक नाम दिया है। तो इस फास्ट ट्रैक में, इस क्लब नेटवर्क में अपने आप को तैयार करो और आने वाले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझो। जाने से पहले एक ही लाइन बोलता जाऊंगा, आई विल विन not immediately but definitely all the way and और वो गुजरात कॉलोनी में है, हमारे है धन्यवाद।
ईश्वरी नमस्कार करती